हरे कृष्णा। आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंध से चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमने द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 27 तक चर्चा पूरी की है। तो ये विषय क्रममुक्ति सद्योमुक्ति का विषय चल रहा है। तो श्लोक संख्या 15 से लेके 21 15 से लेके 21 में सद्योमुक्ति की बात हुई और फिर 22वें श्लोक से क्रममुक्ति की बात हो रही है। तो कौन किसका अधिकारी है? जो योगी बिल्कुल ही भौतिक वासना विरहित है और केवल ब्रह्म प्राप्ति चाहता है वो सद्योमुक्ति का अधिकारी। लेकिन ऐसा योगी जिसमें कुछ भौतिक जगत के अलग अलग स्थानों के प्रति कुतूहल है, वहां के भोग विलासों के प्रति कुतूहल है, यदि प्रयास्यन यत्पारमिष्ठ्यम, ऐसे कहा है कि जो ब्रह्मलोक आदि देखने की इच्छा करता है या खेचर लोगों का सिद्ध लोगों के स्थान देखने की इच्छा करता है, तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है योगी वो क्रम मुक्ति का अधिकारी है। उसके मुक्ति के बारे में भी हमने चर्चा प्रारंभ की। तो 22वें श्लोक से उसकी बात हो रही है इस अध्याय में। तो ऐसा जो है वो योगी अपने मन तथा इंद्रियों के साथ, पहले तो ऐसा व्यक्ति जो है वैश्वानर लोक चला जाता है, फिर वहां से वो शिशुमार लोक में जो ग्रह है उन पर चला जाता है, फिर वहां से आगे बढ़ते हुए महर लोक जो है वहां चला जाता है, फिर महर लोक के महरलोक पर रहते हुए जब वो इस ब्रह्मा जी के एक दिन के अंत में जब देखता है कि भगवान अनंत विश्व जो है जला रहे हैं, तो फिर वो वहां से महरलोक से वो सत्यलोक चला जाता है, ब्रह्मा जी के पास चला जाता है, ब्रह्मा जी के ग्रह पर, लोक पर। और ब्रह्मा जी के लोक की भी बात हुई 27वें श्लोक में कि वहां पे कैसे शोक नहीं है, जरा नहीं है, मृत्यु नहीं है, वहां पे केवल एक ही दुख है। कौन सा दुख है? जो कि उन लोगों को, ब्रह्मलोक के निवासियों को वो दुख जो है लगता है कि कैसे इस जगत के निवासी जो है भक्ति योग को नहीं जानते हैं, आत्म साक्षात्कार के मार्ग को नहीं जानते और इसकी वजह से दुख भोग रहे हैं। तो उतना ही एकमात्र दुख है वहां पर, नहीं तो फिर वो जो जगत है वो सारे भौतिक लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा वो योगी वहां तक पहुंचा है, क्रम मुक्ति वाला। तो ब्रह्मलोक तक पहुंचने के बाद क्या होता है ये आगे के 3 श्लोक में बताएंगे और फिर विषय यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भय तेनात्म। ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भय तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वनन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायवात्मनाखं प्रहदात्मदिंगम्। वल्लभी गोपी माता जी अनुवाद पढ़ी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। सत्य लोक पहुंचकर भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाने में समक्ष होता है और क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था में पहुंच पाता है। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, तो ततः ततः मतलब ब्रह्मलोक से क्या होता है? वो ब्रह्मलोक से विशेषम प्रतिपद्य निर्भय, वो निर्भय योगी जो है वो किसको प्राप्त कर लेता है? तो कहा है कि वहां से वो विशेषम मतलब पृथ्वी के आवरण को प्राप्त कर लेता। पृथ्वी मतलब
पंच महाभूत में जो पृथ्वी है ना, भूमि, उसकी बात हो रही। देखिए ब्रह्मांड के बाहर क्या है, आवरण है ना, सात या आठ आवरण माने गए, जैसे भूमि, आप, अनल, वायु, खम, और फिर उसके बाद में अहंकार, महत्तत्व, और फिर प्रधान, ऐसे आठ आवरण माने गए। तो ये ब्रह्मांड के आवरण है, समझ रहे ना। तो ये ब्रह्मलोक से अभी ब्रह्मांड के आवरण में जाता हुआ, वहां से वो महत्तत्व, और फिर अंत में प्रधान, और फिर उसके बाद में ब्रह्म, ऐसे प्राप्ति करता। तो विशेषम शब्द का यहाँ पे अर्थ है वो जो पहला आवरण है ब्रह्मांड का, वो अर्थ है यहाँ। पहले आवरण में वो क्या है, पहला भूमि का आवरण होता है पहले, या पृथ्वी का आवरण होता है। 500 करोड़ योजना उसका वो आवरण जो है, उसका परिमाण है। तो उस पृथ्वी के आवरण में वो चला जाता है, मतलब ब्रह्मलोक से परे जा रहा है वो, ब्रह्मलोक से परे जाके वो पृथ्वी के आवरण में चला जाता है। तेनात्मना, पृथ्वी के आवरण में जाता हुआ वो वैसा ही शरीर धारण करता है जो पृथ्वीमय शरीर है। फिर वहां से आप, अनल मूर्ति, वहां से भूमि के बाद आप मतलब जल, तो वहां से फिर वो जल के आवरण में चला जाता है जलमय शरीर धारण करते हुए। उसके बाद में अनल मतलब अग्नि के आवरण में चला जाता है। ये सब ब्रह्मांड के परे की बात हो रही है, ब्रह्मांड के जो आठ आवरण है ना उसकी बात हो रही है। तो उस आवरण में चला जाता है ऐसे एक के बाद एक, भूमि, आप, अनल, वायु, खम, ऐसे पांच आवरण है पहले। तो ऐसा वो एक के बाद एक आवरण में चला जाता है। तो ज्योतिर्मयो वायु उपेक्ष्य काले, हम लोग अग्नि तक आए थे, अग्नि के आवरण, अग्नि के आवरण के बाद वायु के आवरण में चला जाता है, तब उसका शरीर वायुमय रहता है। अग्नि में उसका शरीर अग्निमय रहता है, जल में उसका शरीर जलमय रहता, पृथ्वी में उसका शरीर पृथ्वीमय रहता, उन आवरणों में वैसा शरीर धारण करता, और अंत में वो पहुंचता है खम। खम मतलब वो पांचवा आवरण जो है, वो आकाश का आवरण है, खम बोलते हैं उसको, ईथर बोलते हैं अंग्रेजी में। तो उस आकाश के आवरण में वो चला जाता है अंतिम, आकाश का ही शरीर धारण करके। उस आकाश के आवरण को बृहदात्म लिंगम कहा है, वो जो है वो वास्तविक स्वरूप कहा गया है बृहदात्मा का। बृहदात्मा का वास्तविक स्वरूप मतलब क्या होता है देखेंगे हम लोग इसको, देखिए टीका से मैं पढ़ के बताता हूं तब ये शब्द आपको समझेंगे क्या है। देखिए क्या बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती 28वें श्लोक की टीका पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 28वां श्लोक है ये टीका। अथ तत्रैव यदि महाकल्प पर्यंतम स्थातुम इच्छति तथा ब्रह्मणा सहैव मुच्यते। देखिए कल एक प्रश्न पूछा था कृष्ण नाम प्रभु कि वो व्यक्ति क्या ब्रह्मा के अंतकाल तक रहता है या फिर पहले ही निकल जाता। तो देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती बता रहे इसको कि वो अगर महाकल्प पर्यंत मतलब ब्रह्मा जी के पूरे समूचे जीवन काल तक रहना चाहता है तो वो ब्रह्मा जी के साथ रह लेता है वहां पर, और फिर ब्रह्मा जी के साथ ही उसकी मुक्ति हो जाती है। ब्रह्मणा सहैव मुच्यते, तो ब्रह्मा जी के साथ उसकी मुक्ति हो जाती है उस व्यक्ति। तो ब्रह्मा जी जो है वो तो भगवान के धाम चले जाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति क्योंकि भक्ति मिश्र योगी है ये ब्रह्म में चला जाता, लेकिन ब्रह्मा के साथ मुक्ति हो जाती है ये बात है। अगर वो महाकल्प मतलब ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल तक वहां पे रुकना चाहता है तो यदि चतद अंतरम एवं मोक्षम इच्छति, लेकिन वो उसके पहले ही मतलब बीच वाले काल में ही अगर मोक्ष चाहता है तो फिर क्या होता है, सप्त आवरणानि निर्भिद्य एवं ब्रह्म प्रविशति,
तो वो इन सातों आवरणों को, ब्रह्मांड के बाहर जो सात आवरण है, तो उन सातों आवरणों को भेद कर वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म ज्योति चला जाता है। ये बात मतलब ये ब्रह्मा जी के पहले जा रहा है मोक्ष, बराबर है। यदि च तद अंतरम मतलब ब्रह्मा जी के जीवन काल के अंतर में ही, बीच में ही वो रुक नहीं रहा ब्रह्मा जी के साथ अंत में जाने के लिए, पहले ही जाना चाहता, तो फिर वो क्या करता है, ये सप्त आवरण जो है, या अष्ट आवरण भी बोला है, कभी सप्त भी बोला है, ठीक है, वो तो प्रधान को आप गिनते हो कि नहीं उसके ऊपर, तो उस आवरण को पार करके वो चला जाता है ब्रह्मा में। देखिए, तो विशेष शब्द का क्या अर्थ है यहां पर, विशेष मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं, ब्रह्मांडस्य प्रथम आवरण रूपम पृथ्वीम, ब्रह्मांड के प्रथम आवरण के रूप में जो पृथ्वी है वो पंच महाभूत है ना, ब्रह्मांड के बाहर जो आवरण है उसमें पहला आवरण इस पृथ्वी नामक भूत का है, महाभूत का है, भूमि नामक महाभूत का है। तो उसकी क्या परिमाण है उसका, उसकी क्या लंबाई है, चौड़ाई क्या है, पंचाशत कोटि योजना। तो ब्रह्मांड का व्यास जो है, डायमीटर है पंचाशत कोटि योजन, मतलब 500 करोड़ योजन ब्रह्मांड का डायमीटर है, डायमीटर आप समझते व्यास, एक जो वर्तुलाकार कोई चीज होती है तो उसका व्यास होता है, डायमीटर होता है, तो उसको वो हमारे ब्रह्मांड का डायमीटर बोला है 500 कोटि योजन, 5 बिलियन योजन कह सकते हैं अंग्रेजी में, 5 बिलियन 500 करोड़, नहीं हाँ 500 करोड़, राइट, यस, मतलब 5 बिलियन। अब तो पंचाशत कोटि, 500 कोटि योजन के ब्रह्मांड का पहला आवरण जो है वो भी 500 करोड़ का होता है, मतलब जितना व्यास है ब्रह्मांड का उतना पहला आवरण है जो पृथ्वी का आवरण है, वहां से फिर हर आवरण 10-10 गुना बढ़ता है, 10 times होता जाता है, 10-10-10 गुना बढ़ता है, मतलब एक्चुअली आवरण बहुत बड़े हैं, ब्रह्मांड से भी बड़े आवरण, ये बात है। तो ये व्यक्ति पहले पृथ्वी के आवरण में चला जाता है और वहां पे पृथ्वी नामक महाभूत का शरीर उसने धारण किया रहता है, और वहां से फिर आगे बढ़ते हुए जल आवरण में जाता है, तो जलमय शरीर धारण करता है, तो इसलिए उसको निर्भय कहा गया है। निर्भय मतलब क्या, तत्त आत्मत्वेन क्लेद दाहादि शंका शून्य, तो चूंकि वो जहां पे जाता है उस प्रकार का शरीर धारण करता है, तो इसलिए जब वो अग्नि के आवरण में जाता है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अग्निमय शरीर धारण करता है। उसके पहले जल के आवरण में जाता है, सर्वत्र जल ही जल है उधर, तो उस जल में वो जलमय शरीर धारण कर, तो ऐसे आगे बढ़ते हुए भूमि से आप, मतलब जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से अंत में खम या आकाश, ऐसे अलग अलग इन आवरणों में से आगे बढ़ता है वो व्यक्ति जो है। अच्छा, क्यों जा रहे उन आवरणों में, क्या करने को जा रहा है, तो देखिए, तत्र तत्र पृथ्वी जलादिषु घ्राण रसनादि इंद्रियैः गंधरसादि विचित्र भोग्य विषयान भोक्तु। देखो, जब वो पृथ्वी के आवरण में जाता है तो उसे इस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है कि जिससे वो गंध आदि जो पृथ्वी का इंद्रिय विषय है, आप जानते हो ना, जो हर कोई पंच महाभूत है उसके अनुसार एक इंद्रिय विषय भी होता है, जैसे पृथ्वी महाभूत है तो विषय क्या है, गंध है, जल महाभूत है तो विषय क्या है, रस है, अग्नि महाभूत है तो रूप है विषय, तो ऐसे होता है। तो वो हर आवरण में जाता हुआ उस प्रकार का शरीर धारण करके उस इंद्रिय विषय को भोग लेता है,
विचित्र भोग्य विषयान, मतलब देखिए इसके बारे में ज्यादा विस्तृत विवरण कहीं नहीं है ज्यादा, लेकिन वहां पे वो जो पृथ्वी का आवरण है उसमें वो कई प्रकार के गंध गंधयुक्त जो विषय भोग है उसको भोग लेता है, ऐसी बात है। घ्राण नासिका के द्वारा गंध का जो भोग्य वस्तु है उसका आस्वादन करता है। फिर जलमय आवरण में जो रसना है मतलब जिह्वा है उसके द्वारा स्वाद का स्वाद रूपी भोग्य विषयों का भोग ले लेता है। उसी प्रकार से रूप, उसी प्रकार से वायु जो है उसको स्पर्श, और फिर अंत में हम जो है शब्द। तो इस प्रकार से वो जो है इन सारे जो जो उस पर्टिकुलर शब्द रूप स्पर्श रस गंध आदि जो इंद्रिय विषय है उसके बारे में जो उसकी इच्छाएं है, कुछ कुतूहल है, कुछ भोगने की इच्छा है, तो वो कुतूहल वहां पे उस आवरण में नष्ट हो जाता है। तो हमें लगा होगा कि भाई पृथ्वी के आवरण में तो कुछ मतलब ब्रह्मांड के आवरण में कुछ होगा नहीं वगैरह, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हाँ, शास्त्र यहाँ पे समझा रहा है कि वहां पे भी बहुत सारे उस पृथ्वी के आवरण में भी बहुत सारे विचित्र भोग्य विषय है। गंध जिससे आप गंध ये इंद्रिय विषय भोग सकते हो, ऐसे कई सारे इंद्रिय विषय वहां पे है उस ब्रह्मांड के बाहर आवरण जो है उसमें। वैसे ही फिर जलमय आवरण में है इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसा वो योगी आगे बढ़ता हुआ अंत में खम मतलब आकाश जो है उसका आवरण प्राप्त करता है, और उस आकाश के आवरण को बृहदात्म लिंगम कहा है। क्यों कहा है? बृहदात्मनो लिंगम परमात्म मूर्तित्वेन उपासनेन युक्तम। क्योंकि देखो क्या है, जो अब आकाश है या खम है उसमें ही शब्द ब्रह्म प्रकट होता है ना, शब्द ब्रह्म प्रकट होता है उसमें। वेद जो है खम आकाश जो है उसमें प्रकट होता है। जब भगवान महाविष्णु वेदों को उच्छवास करते हैं तो वो आकाश में प्रकट होता है पहले, फिर ब्रह्मा जी उसको ग्रहण करने के बाद वो ब्रह्मा जी के मुख के द्वारा शब्दों में प्रकट होता है, जो शब्द है वेद के वो बस। नहीं तो मुद्दा यह है कि वेद या जो शास्त्र है वो आकाश ग्रहण करता है पहले, तो इसलिए उसको बृहदात्म लिंगम कहा है, ये बात है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से वो पृथ्वी के आवरण जो पंच महाभूतों के आवरण से जाता हुआ ये चीज यहाँ पे बोली। प्रभुपाद जी, जो व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्णता तथा अभ्यास से ब्रह्मलोक या सत्यलोक पहुंच जाता है वह तीन विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मलोक या सत्यलोक इसको तीन प्रकार से आप जा सकते हो। कैसे? एक तो पुण्य कर्म करने से, एक विशेष प्रकार का पुण्य कर्म करने से। दूसरा है विराट या हिरण्यगर्भ मतलब ब्रह्मा जी की उपासना करने से। देखिए ये ऊपर वाले पुण्य कर्म मतलब वो स्वर्ग में लेके जाने वाले पुण्य कर्म नहीं है, ये दूसरे प्रकार के पुण्य कर्म। दूसरा विराट या हिरण्यगर्भ की पूजा करके भी कोई सत्यलोक वगैरह जा सकता है। और तीसरा जो ये योगी है वो ना तो कोई पुण्य कर्म कर रहा है ना ही हिरण्यगर्भ की पूजा कर रहा है, ये योग के बल पे जाना ऐसे। और इन तीनों का अलग अलग मतलब वहां पे जाके अलग अलग समय के लिए अलग अलग काल के लिए वे वहां पे रह पाते, ये बात है। तो ये जो योगी है वो योगी पूरे ब्रह्मा जी के जीवन काल तक रह सकता है वहां, ठीक है। जीव गोस्वामी बताते हैं कि ये ब्रह्मांड जो है उसके ऊपर सात सात आवरण है, तो हमने देखा अभी आवरण है ना अलग अलग। जो भगवान इन सारे ब्रह्मांडों को अपने श्वास से सृजित करते हैं वे इन ब्रह्मांडों के गुच्छ के ऊपर शयन करते हैं। तो महाविष्णु जो है इन सारे ब्रह्मांडों को अपने रोमकूप से बाहर लाते हैं और फिर ये ब्रह्मांड जो है
कारण समुद्र पर तैरते रहते हैं, और भगवान जो है कारण समुद्र पे वहां पे शैया करते हैं। कारण सागर का जल ब्रह्मांड के जल के आवरण से पृथक स्थित रहता है। देखो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड के बाहर आवरण है ना अलग अलग, उसमें जो जल वाला आवरण है दूसरा, वो जल अलग रहता है और जो कारण समुद्र का जल है वो अलग रहता है। दोनों में अंतर है। ब्रह्मांड को आवृत करने वाला जल भौतिक है, जबकि कारण सागर का जल आध्यात्मिक। ये बात है। जो कारण समुद्र है या जो विरजा कहा जाता है उसको, वो जल आध्यात्मिक होता है, ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर श्रीधर स्वामी के आधार पर भी प्रभुपाद जी ने यह बताया कि कैसे ये जो व्यक्ति है एक एक आवरण पार करता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ठीक है, हमने इसको विश्वास चतुर्भुज गीता से देखा। आगे बढ़ते, घ्राणे न गंधम रसने न वैरसम रूपं च दृष्ट्या श्वसनम त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नमो गुणत्वं प्राणेन चाकूर्ति मुपैति योगी। कृष्ण नाम प्रभु धन्यवाद। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंधि को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को, तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। यस, तो इस प्रकार से जब वो हर एक आवरण में से जा रहा है ना, तो उस आवरण के इंद्रिय विषय को वो पार कर लेता है। घ्राणे न गंधम, घ्राण के द्वारा गंध, वो कौन से पृथ्वी के आवरण का विषय है, उसको पार कर देता है, मतलब उससे आसक्ति चली गई उसकी, गंध रूपी इंद्रिय विषय से आसक्ति चली गई। रसन जो है मतलब स्वाद से या जिह्वा से, वो रस रूपी जो इंद्रिय विषय है जो जल में दिखाई पड़ता है, जल के आवरण में, तो उसको पार कर देता है। रूप जो है उसको पार कर देता है अग्निमय आवरण में। श्वसनम मतलब स्पर्श को पार कर देता है चौथे वायु वाले आवरण में। और पांचवा जो है खम, श्रोत्रे न चोपेत्य नभो गुणत्व, जो पांचवा है आवरण खम वाला, उसमें नभो गुणत्व मतलब शब्द को पार कर देता है। उस प्रकार का शरीर प्राप्त करके उसको, उसका कौतूहल खत्म हो जाता है, उधर उस भोग्य इंद्रिय विषयों को वो देख लेता है, भोग लेता है जो भी कुछ है। तो गंध का किसी प्रकार की इच्छा उसकी रहती नहीं जब वो पृथ्वी का आवरण पार कर लेता है। वैसे ही स्वाद की किसी प्रकार की इच्छा उसकी रहती नहीं जब वो जल का आवरण प्राप्त कर लेता है, पार कर लेता है। ऐसे एक एक उसके शब्द रूप स्पर्श रस गंध वाले इच्छाएं खत्म हो गई। ये बात है इस प्रकार से। प्राणेन चाकुति मुपैति योगी, और साथ ही साथ जो कर्मेंद्रिय है उनके भी जो कार्य है, उनके भी जो इच्छाएं है वो भी खत्म हो जाती है। ये ज्ञानेन्द्रियों की तो हो ही जाती है, कर्मेंद्रिय के भी, जो हाथ से कुछ कार्य करना चाहता है व्यक्ति, पैर से चलना चाहता है, तो वो भी उन आवरणों से जाते हुए एक एक करके खत्म हो जाता है, वो कुतूहल जो है उसका वो खत्म हो जाता है। ये बात बोली है। तो यहाँ पे प्राणेन यानी कर्मेंद्रिय से, आकुति मतलब कर्मेंद्रिय के भी जो जो कुछ इच्छाएं है, उसके कुछ इंद्रिय विषय है, वो भी खत्म हो जाते हैं उस व्यक्ति के। तो इस प्रकार से ये चीज जो है वो बोली गई है। विश्वनाथ चक्रवर्ती समझाते, देखिए इसको, इंद्रियाणाम भूत सूक्ष्मणाम अतिक्रममः इंद्रियार्थानाम। देखो जो इंद्रियार्थ है अलग अलग शब्द रूप स्पर्श रस गंध, उसका अतिक्रम, उसको पार करके जा रहा है वो, ये बताया जा रहा है। ये बात है। तो सब कुछ घ्राण के द्वारा गंध पार कर लिया, रसना के द्वारा स्वाद पार कर लिया, त्वचा के द्वारा श्वसन मतलब स्पर्श प्राप्त, श्वसन मतलब देखो यहाँ पे श्वास उच्छ्वास नहीं है, वहां श्वसन मतलब स्पर्श। नभो गुणत्वम मतलब शब्द जो है उसको भी पार कर लिया,
प्राणेन मतलब कर्मेंद्रिय से आकुति तत्त क्रियां, हरेक कर्मेंद्रिय का जो कुछ कार्य है उसको भी पार कर लिया। तो इस प्रकार से पृथ्वी आदि आवरणेषु एव गंधादयः सन्ति, हरेक यह आवरण है उसमें उसका जो इंद्रिय विषय है उसको पार करते हुए योगी पहुंच गया आगे के आवरण में। कौन सा आवरण आएगा? अभी आएगा आवरण अहंकार वाला। पंच महाभूत हो गए, अभी अहंकार का आवरण आएगा। ठीक है, तो वहां तक योगी पहुंचा हुआ है। आगे इसकी बात सुनते हैं। सभूत सूक्ष्म इंद्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाध्य गत्या सहतेन याति विज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम। ठीक है, रुक्मिणी वल्लभ प्रो अनुवाद करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम। इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों, रजोगुण तथा तमोगुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त करता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत्त्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक जाता है। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, पांच आवरण हो गए, अभी उसके पश्चात अहंकार जो है उसके आवरण को प्राप्त करता है। वो मतलब अहंकार का जो आवरण है ब्रह्मांड के बाहर, वहां तक वो पहुंच जाता है। सभूत सूक्ष्म इंद्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देव वयम विकार्यम। ये जो विकार्यम शब्द है ना, ये अहंकार के लिए लगाया है। अहंकार रूपी आवरण जो है ना, विकार्यम उसको प्राप्त करता है, संसाध्य मतलब उसको पार करके। तो कैसा है वो आवरण? भूत सूक्ष्म इंद्रिय सन्निकर्षम कहा है। वो जो है उसमें भूत, देखिए अहंकार जो है सात्विक राजसिक तामसिक अहंकार से ही सब निकलता है ना। जैसे पंच महाभूत हो और इंद्रिय विषय हो, वो तामसिक अहंकार से निकलते हैं। इंद्रिय जो है वो राजसिक अहंकार से निकलते हैं। मन जो है वो, और जो देवता है इंद्रिय देवता, वो सात्विक अहंकार से निकलते हैं। तो ये बोला जा रहा है कैसा अहंकार? देवमयम मनोमयम भूत सूक्ष्म इंद्रिय सन्निकर्षम, ऐसा वो जो अहंकार है उस आवरण को वो प्राप्त कर लेता। तो वहां पे संसाध्य, वहां से परे जाते हुए वो क्या करता है? उसके आगे जाते हुए विज्ञान तत्वम मतलब ये महत्तत्व का आवरण जो है उसको प्राप्त कर लेता है। तो देखिए ये उल्टी प्रोसेस है। ये वो क्या हो रहा है, जैसे महत्तत्व से अहंकार होता है उत्पन्न, अहंकार से सात्विक राजसिक तामसिक अहंकार से फिर नीचे वाली चीजें उत्पन्न होती है। तो ये जब जा रहा है वापस, तो उस लेवल का जो भी उसका शरीर में और मन में जो सत्ता है उन उन पंच महाभूतों की, वो खत्म होते जा रही है। तो अहंकार के आवरण में आया है तो उसके पास बस अहंकार बचा, भी और कुछ नहीं बचा। अहंकार जो एलिमेंट है उतना ही बचा है, बाकी सब वो छोड़ दिया, वो त्याग दिया उसने। जाते पृथ्वी से जाते हुए उसने पृथ्वीमय शरीर का वो भाग त्याग दिया जो पृथ्वीमय है। जल से जाते हुए उसने इच्छा भी, स्वाद के प्रति इच्छा एवं जलमय जो शरीर का उसका भाग है उसको त्याग दिया। ऐसे जा रहे वो ऊपर। तो अगर आप में से किसी को ये चीजें कठिन समझने को लग रही है तो चिंता मत कीजिए, वैसे भी हमारा मार्ग नहीं है तो ठीक है, ये लोगों का मार्ग है, तो नो प्रॉब्लम। तो ये जो है इस प्रकार से वहां पे अहंकार, और फिर अहंकार से विज्ञान तत्व मतलब महत्तत्व में चला जाता है, महत्तत्व के आवरण में, और महत्तत्व से गुण सन्निरोधम मतलब प्रधान के आवरण में चला। ऐसी बात है। तो प्रधान तक पहुंच गया है गुण सन्निरोधम। गुण सन्निरोधम क्योंकि प्रधान में गुण जो होते हैं तीनों के तीनों एकदम संनिरोध रूप में अवस्था में रहते हैं। आप जानते हो
जब गुण जो है विचलित हो जाते हैं तो उसको महत्तत्व कहा जाता है, लेकिन प्रधान में गुण विचलित नहीं होते, तीनों के तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में रहते, इसलिए वो हिलते नहीं बिल्कुल, सत्व रज तम। लेकिन महत्तत्व में तीनों हिलने लगते हैं सब, तो वो विज्ञान तत्व है और गुण संनिरोधम ये जो है ये प्रधान तत्व, तो वो प्रधान तत्व तक पहुंच गया वो, ये जो योगी है वो। देखिये विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं, ठीक है ओके नो प्रॉब्लम, मैंने ये बताई थी। कार्य मतलब अहंकार, विश्वनाथ चक्रवर्ती भी समझाते हैं। तो ये अहंकार कैसा रहता है, तामस अहंकार में भूत सूक्ष्म रहते हैं, मतलब पंचमहाभूत एवं उसके सूक्ष्म विषय रहते हैं, राजस अहंकार में इंद्रिय रहते हैं, और फिर जो सात्विक अहंकार है उसमें मनोमय रहते हैं, मतलब मन रहता है, देवता आदि जो हमारे हमारे सत्ता में जो समाविष्ट होते हैं ऐसे। तो ये अहंकार रूपी आवरण के पश्चात वो कहाँ जाता है, विज्ञान तत्वों मतलब महत्तत्व को प्राप्त होता है, और महत्तत्व के प्राप्त बाद में वो गुण संनिरोधम मतलब प्रधान, प्रधान के पास जाता है, प्रधानम याति प्रधान या प्रकृति ऐसे। तो प्रधान तक पहुंचने के बाद ये वहां से फिर वो ब्रह्मा महाविष्णु जो है उनके शरीर के उस ब्रह्म रूपी तेज में वो जो है विलीन हो जाता है, वो अगला मुद्दा है, ठीक है वो लास्ट श्लोक है। देखो प्रभुपाद जी, इस प्रसंग में हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि भक्तों के द्वारा क्रमिक उत्थान की उपर्युक्त विधि यद्यपि प्रामाणिक है किंतु वर्तमान युग के लिए उपयोगी नहीं, ठीक है। तो ये पढ़ के सुन के आपको आनंद होगा, वर्तमान युग के लिए ये उपयोगी नहीं है, क्योंकि सर्वप्रथम तो लोग योगाभ्यास के ही अनभिज्ञ है, व्यावसायिक समर्थकों द्वारा तथाकथित योगाभ्यास भले ही शारीरिक क्रियाओं के लिए लाभप्रद हो किंतु इतनी छोटी सी सफलता यहाँ पर वर्णित आध्यात्मिक उत्थान की प्राप्ति में सहायक नहीं बन सकती। तो बहुत तथाकथित योगी है आजकल के इसमें टेढ़े मेढ़े आसन करते हैं कैसे कैसे, ठीक, लेकिन वो छोटी सी सफलता है प्रभुपाद जी के, वो छोटी सी सफलता और ये क्रम मुक्ति आदि प्राप्त कर पाना, षटकर्म योग वगैरह कर पाना बहुत बड़ी बात है, उसमें बहुत अंतर होता है। तो आजकल तो बस थोड़ा बहुत आसन वासन कर लिया तो फिर योगी महाराज की जय लोग कहेंगे, लेकिन एक्चुअली योग तो बहुत बड़ी बात है, वो आसन और प्राणायाम में ही सेटल हो गए आप लोग, योग तो उसके आगे प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और समाधिस्थ होने के बाद भी षटचक्र योग आदि के द्वारा इंद्रियों को अपने शरीर को त्यागने की ताकत होनी चाहिए उसकी, तो वो है बात। प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए व्यावसायिक योगाभ्यास वाले ये छोटी सी सफलता है उनकी, थोड़ा कुछ आसन वासन आ गया तो लोगों को लगता है अरे कितना बड़े योगी है, महायोगी है, क्या क्या अपने अपने महायोगी प्रभु तो भक्त है, महायोगी मतलब मैं योगी, ये योगी लोग जो है उनकी बात। तो देखो ये तो छोटी चीज है एक्चुअली, आजकल वो भी कठिन है लोगों को मानते हैं, लेकिन वो तो आसन और प्राणायाम में ही पड़े रहते हैं आजकल के लिए, वो तो आगे की बात ही नहीं करते, प्रत्याहार क्या होता है, धारणा क्या होती है। अरे वो धारणा भी सिद्ध करेगा तो भी उसको सिद्धियां मिल जाती, विराट रूप की भी धारणा कर गए तो सिद्धि मिल जाती, तो ऐसे तो कोई योगी दिखते नहीं ज्यादा सिद्धि विद्धि वाले, वही तो एक आधा विरला मिलता होगा, ऐसी बात है। तो ऐसा हो गया, इसलिए भगवान चैतन्य ने इस युग में युग के भावी भक्तों के लिए निम्नलिखित विधि से अत्यंत सुगम बनाया। तो प्रभुपाद जी अभी संकीर्तन की बात करते हैं, इसलिए संकीर्तन कितना महत्वपूर्ण है, हमने जप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, अपराधों से बचना चाहिए, यही बहुत बड़ा लंबा चौड़ा का लिख दी है यहाँ पर कि प्रभुपाद जी का तात्पर्य यही है कि ये सब कुछ चल रहा है क्रम मुक्ति वगैरह वगैरह, लेकिन हमारा काम क्या है, हम लोग तो भाई कीर्तन और श्रवण, श्रवणम कीर्तनम कृष्ण स्मरणम वाले लोग है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, ये हमारी विधि है। तो इससे भक्त को
भगवान के धाम को जाने का सुनहरा अवसर जो है इससे प्राप्त होता है। तो हमें ये सारी चीजें क्रम मुक्ति आदि के लिए प्रयास करने की जरूरत है। हालांकि एक भक्त अगर कोई योग वाला योग सिद्धि वाला है तो हो सकता है वो उसको उपयोग कर ले, संभव है कि वो ऐसे कुछ विधि के द्वारा भगवान के धाम को प्राप्त कर ले। लेकिन जो साधारण सर्व भक्त समस्त भक्त है योग मार्ग आदि के जो उसमें अभ्यस्त नहीं है और जो शुद्ध भक्ति के मार्ग के अनुयायी है उनके लिए ये सब जरूरी नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरा ये तात्पर्य, इतना लंबा तात्पर्य लिखा है संकीर्तन और जप आदि, इसको कैसे हमने ढंग से करना चाहिए इसके लिए। तो कैसे ये जो भक्ति का पौधा है उसको श्रवण कीर्तन के सिंचन से हमने संभालना चाहिए, हाथी माता जैसे वैष्णव अपराध से इससे बचना चाहिए, ये सब चीजें चैतन्य चरितामृत के आधार पे प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखी हुई। ठीक है, हरे कृष्ण। तेनात्मनात्मानमुपैति शांत शांतम आनंदम आनंदमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं ततोय स वै पुनर्नेह विसज्जतिंग। जय श्री राधा माता जी। अनुवाद करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में श्री भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमयी पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौट कर कभी नहीं आता। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो देखिए इस प्रकार से वो प्रधान के आवरण तक पहुंचा था, प्रकृति या प्रधान जो है। तेनात्मनात्मानम उपैति शांतः, तो उस प्रकार से उस अवस्था में वो क्या करता है, प्रधान जो है उस प्रधान को परमात्मा में विलीन कर देता है। मतलब उसकी जो पूरी पूरी समूची जो भी कुछ आसक्ति है उसको त्यागते हुए पूरी तरह से भौतिक प्रकृति से पूरी तरह से विलग हो जाता है और फिर ऐसा व्यक्ति जो है वो शांतम आनंदम आनंदमयो वसाने, कहा है कि वो क्या करता है, वो उस स्थान पे चला जाता है जो शांत है, आनंद माना गया है। वो ऐसा व्यक्ति, वो योगी उस स्थान पर उपैति चला जाता है, अंत में अवसाने, मतलब समस्त भौतिक कल्मश समस्त भौतिक प्रकृति सबके प्रति उसकी आसक्ति खत्म हो गई है, सारा कुतूहल नष्ट हो गया है। तो ऐसी उस अवस्था में वो क्या करता है, वो जो है उस शांत आनंदम ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर लेता। एताम गतिम भागवतीम गतो यह, तो देखिए ये जो गति है इसको भी भागवती गति कहा है। हालांकि ये ब्रह्म ज्योति है तो ये वैसा ही प्रयोग है जैसे परम पदम इसके पहले कहा था, परम पदम वैष्णव मामनंति, तो वहां पे भी हमने देखा था उसका ब्रह्म ज्योति भी अर्थ है एक, क्योंकि विष्णु का निर्विशेष स्वरूप है वो, इसलिए। तो वैसे यहाँ पे भी भागवती गति कहा है उस पद को, क्योंकि क्या है वो एक्चुअली व्यक्ति योगी जो है वो जो महाविष्णु है उनके शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है, ऐसी बात। प्रकृति जो है प्रधान तक पहुंचा, मतलब क्या, प्रधान के परे क्या रहता है, प्रधान के परे तो महाविष्णु ही रहते हैं केवल, है कि नहीं। तो फिर वो क्या कर देता है, स्वयं वो व्यक्ति जो है उस प्रधान को त्याग कर वो जो है महाविष्णु के जो ब्रह्म ज्योति है उनसे शरीर से निकलने वाला प्रकाश उसमें वो विलीन हो जाता। एताम गतिम भागवती, तो उसको भागवती गति कहा गया है। और सब पुनर्नेह विसज्जते अंग, वो फिर इस जगत में कभी वापस नहीं आता। देखिए ये प्रमाण मैं बोल रहा था, यहाँ पे बताया है कि कैसे
एक बार वो प्राप्त कर लेता है सारूप्य, तो फिर वो इस जगत में फिर कभी भी नहीं आता वापस। ये बात है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती समझाते हैं, देखिए इसमें प्रधानेन सह आत्मना स्वरूपेन, प्रधान के साथ जो मतलब प्रधान के उस आवरण में चला गया है वो क्या करता है, फिर वो जो है चला जाता है उस आनंद रूपी परमानंद रूपी पुरुष को प्राप्त कर लेता है। मतलब क्या, उस पुरुष के शरीर से निकलने वाला, महाविष्णु से शरीर से निकलने वाला जो प्रकाश है उस प्रकाश को प्राप्त कर लेता। देखिए तस्मिन नैव सायुज्यम प्राप्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती बड़े क्लियरली लिख रहे हैं, तस्मिन मतलब महाविष्णु में, महाविष्णु के जो शरीर से निकल रही है ज्योति, उस ज्योति को भी सायुज्यम प्राप्त है, उस ज्योति में विलीन होके वो सायुज्य प्राप्त कर लेता। कभी कुछ टीकाकारों ने इसका अनुवाद ऐसे भी किया है कि जो महाविष्णु है उनके शरीर में ही वो विलीन हो जाता, तो शरीर सायुज्य कहते हैं उसको, या शरीर की ज्योति में विलीन हो जाता है तो उसको ब्रह्म सायुज्य कहते हैं। तो ठीक है, दोनों भी अर्थ हो सकते हैं, लेकिन सायुज्य प्राप्त करता है, ये मुद्दा है हमारा। हम ये कहना चाह रहे हैं इधर कि सायुज्यम प्राप्य, सायुज्य प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो सायुज्य के लिए ही तो मर रहा था, सायुज्य के लिए ये सब प्रयास कर रहा था, तो इसलिए सायुज्य प्राप्त कर लेता है। और फिर न विसज्जते यह संसारे न वर्तते, वो फिर इस संसार में कभी वापस नहीं आता ऐसा व्यक्ति जो, ये बात है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद करते हुए भक्तों की तरह किया है। भक्त जो है भक्तिमयी पूर्णता को या भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त करता है। तो ये क्यों किया है ऐसा अनुवाद, क्योंकि ये इस प्रकार की सिद्धि एक भक्त भी प्राप्त कर सकता है, अगर वो योगी है तो इस प्रकार से वो समस्त क्रम मुक्ति के मार्ग द्वारा भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान के लोक को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए ये डिस्कशन लागू हो सकता है कोई भक्त के लिए भी, अगर वो उस प्रकार का अकम्प्लिश्ड सिद्ध टाइप योगी है तो वो कर सकता है इन चीजों को। इसलिए प्रभुपाद जी जब भागवती गति मतलब भगवान के साथ संगति आदि ये बोल रहे हैं, तो ये भी अर्थ जो है इसका हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है वो भक्ति मिश्र योगी का चल रहा है, इसलिए हम लोग उस सायुज्य जो है वो उसको समझा रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कैसे बताया। देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक में गतिम भागवतीम का वर्णन ध्यान देने योग्य, ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी द्वारा इच्छित परब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की किरणों से तादात्म्य भागवतीम पूर्णता नहीं है। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि भले ही यहाँ पर परब्रह्म या वो जो भगवान के से निकलने वाली किरणों में ये व्यक्ति सायुज्य चाहता है, लेकिन वो एक्चुअल वास्तविक पूर्णता नहीं है। गतिम भागवतीम बोला है लेकिन वो वास्तविक पूर्णता नहीं है। भागवत जन कभी भी भगवान की निर्विशेष किरणों में लीन नहीं होना चाहिए, तो ये बात है। शुद्ध भक्त जो होते हैं भक्ति के मार्ग के अनुयायी तो ये गंतव्य नहीं चाहते, लेकिन चूंकि ये भक्ति मिश्र योगी है तो इसलिए वो यही गंतव्य चाहते, ये बात है। भगवान के भक्त लोग तो ऐसे निर्विशेष किरणों में लीन नहीं होना चाहते बिल्कुल भी, कभी भी, क्योंकि वो उसको एक आध्यात्मिक आत्महत्या मानते हैं, स्पिरिचुअल सुसाइड है वो इस प्रकार। वे तो सदैव ही आध्यात्मिक आकाश में किसी एक दिव्य वैकुंठ ग्रह में परमेश्वर की संगति की आकांक्षा करते हैं, ये बात है। तो भक्त लोग अगर इसको करेंगे पालन तो वो इन सारे विधि से महावैकुंठ को प्राप्त करेंगे, वो कोई निर्विशेष ब्रह्म ज्योति जो है उसमें नहीं जाएंगे, ये बात है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये निर्विशेष ब्रह्म ज्योति और उसके इच्छुक निर्विशेषवादियों का इनका थोड़ा खंडन किया है यहाँ पर, उनके कैसा उनका जो ध्येय है उनका जो प्रयोजन है वो उचित नहीं है, ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी।
इस श्लोक के अन्य दो शब्दों शांतम तथा आनंदम पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बोध कराते हैं कि भगवान की भक्तिमय सेवा भक्त को वास्तव में दो महत्वपूर्ण वरदान देने वाली है, यह है शांति तथा तुष्टि। निर्विशेषवादी भगवान से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, लेकिन यह कोरी कल्पना है। प्रभुपाद जी कहते हैं योगी विविध प्रकार की योग शक्तियों से उब उठता है, जिसके कारण उसे ना तो शांति मिलती है ना संतोष। इसलिए निर्विशेषवादी हो या फिर ये ऐसे भौतिकतावादी हो, इन लोगों को कोई वास्तविक संतोष नहीं मिलता है। ब्रह्म में लीन होना भक्ति के सुख के सामने वो बहुत ही तुच्छ माना गया है। हालांकि उसमें लीन होने वाले भी योगी तो होते हैं, लेकिन वो जो सुख है वो बहुत ही कैवल्यम नरकायते कहा गया है हमारे आचार्यों द्वारा, वैष्णव आचार्य उसको सुख बिल्कुल नहीं मानते, वो तो बहुत बड़ा दुख मानते। ऐसे इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि तो हम अधिक स्पष्ट करना चाहे तो कह सकते हैं कि भगवत प्रेम का स्तर प्राप्त करना चाहता है जो कोई, उसे भौतिक भोग की समस्त इच्छाओं का परित्याग करना चाहिए, उसे किसी भी देवता की पूजा से भी दूर रहना चाहिए और उसे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में लीन रहना चाहिए। ये तदाकार होने का मूर्खतापूर्ण विचार भी उसको भी त्याग देना चाहिए। प्रभुपाद जी भक्तिमय व्याख्या कर रहे हैं उस श्लोक की, शांतम आनंदम जो है ना, वो कैसे भगवान के साथ ही वो शांति और आनंद प्राप्त होगा। ब्रह्म ज्योति है वो कोई अपूर्ण गति है, वो कोई पूर्ण गति नहीं है, सर्वोच्च गति नहीं है, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहां से लेके विषय दूसरा प्रारंभ हो रहा है, तो इसके पहले अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। यहां से भक्ति के उत्कर्ष के बारे में बात है तो हम लोग इस विषय को खत्म करके फिर यह अध्याय खत्म हो जाए। ठीक है, यस महोत्सव आप लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जी अगर ये क्वेश्चन में जो पूछने जाना ऑलरेडी डिस्कस हो गया है तो मैं भी इग्नोर कर सकते हैं, शायद मेरा कुछ मिस हो। बट मेरे को ये प्रश्न आ रहा था कि मतलब एक सिद्धांत जो हम लोगों ने सुना है वो ये कि मतलब ज्यादा भोग प्राप्त करने से वो भोग छूटता नहीं, बल्कि उस भोग के प्रति और भी ज्यादा आसक्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनको वो भोग प्राप्त करवा के और फिर भोग से निवृत्त करवाया जा रहा है। और दूसरा इसी से रिलेटेड प्रश्न ये है कि मतलब वो योगी तो भोग चाहता भी नहीं था, वो तो एक्चुअली निवृत्त होना ही चाहता था, और उसने उसका प्रैक्टिस भी ऐसा ही है, फिर इस ढंग का मार्ग थोड़ा सा आश्चर्यजनक। हाँ, तो वही कि वो जो कहा है ना, जब क्रम मुक्ति के लिए अधिकारी कौन है, तो वहां पे 22वां श्लोक आता है, यदि प्रयास्यन पारम निष्ठम करके। तो उसकी टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा है कि ये परमेष्ठी ब्रह्म पद को जाना चाहता है या सिद्ध लोगों के जो ग्रह है उनको देखना चाहता है, तो इसलिए कि इस व्यक्ति में उस उनके विहार स्थान वो भोग विलास देखने की कुछ इच्छा है। इसमें वो कुतूहल एकदम कोई भौतिक जगत के वासना वाले व्यक्ति की तरह नहीं है, लेकिन तो भी उसमें निश्चित रूप से वो सब लोगों के विहार स्थान, उनके भोग्य वस्तु क्या है, ब्रह्म लोक के भोग्य वस्तु का क्या है, सिद्ध लोक के भोग्य वस्तु, स्वर्ग लोक के भोग्य वस्तु आदि देखने की इच्छा तो है उसमें, इसलिए वो जो है उसको क्रम मुक्ति के मार्ग का अधिकारी माना। तो ऐसा ये जो व्यक्ति है एकदम उसका हो सकता है कि भाई उसका एकदम ही स्थूल रूप से भोग में वो लागू नहीं होता जैसे भौतिक जगत का भोगी होता है, लेकिन उसमें इच्छा तो है वो भोग्य वस्तु आदि को देखने की और उसको जानने की। तो इसलिए इन सारे आवरणों से जाता हुआ वो जो है उस चीजों को प्राप्त करता हुआ वो उससे निवृत्त होता जाता है। देखिए इसमें निवृत्त, देखो कोई व्यक्ति भोगों को भोग के निवृत्त नहीं होता है, ये बात तो सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर कोई कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आरूढ़ है
और एक ओर से ज्ञान ले रहा है उस भोगों के नश्वरता का, और सुन रहा है कंटिन्यूअसली कि कैसे ये सब भोग वगैरह नश्वर है, कभी सुख नहीं देंगे, और दूसरी ओर उसका अनुभव भी कर लेता है, तो फिर वो डिटैचमेंट काम करती है उसके जीवन। तो भोग को भोग के कभी निवृत्त नहीं होगा ऐसा व्यक्ति जिसको कभी आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है, लेकिन जिसको आध्यात्मिक ज्ञान है ऐसा व्यक्ति और उसकी इच्छा भी है, तो फिर वो उस मार्ग में से जाके समझ लेता है तुरंत कि अरे ये तो बेकार निकला, क्योंकि उसने इतना शास्त्र सुना रहता है कि उसको फिर वो समझ जाता है कि मैं खामखा इन चीजों के पीछे अपना समय गवा दिया, ऐसे होता है वो। तो इसलिए प्रवृत्ति मार्ग जब वो शास्त्र के ज्ञान के साथ बोला गया है तो उसको एक बोनाफाइड मार्ग माना गया है। हम लोग देखते हैं कि जिसको अनुभव से आगे बढ़ना है उसके लिए भी विधि है, जिसको केवल श्रवण करके आगे बढ़ना है उसके लिए भी विधि है, लेकिन उसमें पहलू बहुत बड़ा है कि उसकी आत्म साक्षात्कार की एक प्रैक्टिस, उसका ज्ञान, उसका वो सब जो मार्ग है वो बना रहेगा, तभी वो कार्य करेगा, नहीं तो फिर सिर्फ ऐसा भोगी है तो उसको कोई फायदा नहीं। वो कितना भी भोग भोगी है उसको समझेगा ही नहीं कभी कि शास्त्र क्या वचन बोल रहे हैं, ये ऐसे कभी ये सुख देने के लिए नहीं हो। तो इसलिए ये योगी, चूंकि ये ऑलरेडी काफी एडवांस लेवल का है, ये काफी ऊपर के लेवल का है, क्योंकि इसकी जो एकदम स्थूल रूप के भोग आदि है उसकी इच्छा वो सब पार कर चुका है, हाँ ये वैराग्य धारणा वगैरह से भी पार करके आया हो, या फिर सीधे सीधे परमात्मा धारणा वाला हो, दोनों भी प्रकार से जैसे भी हो एक शुद्ध चित्त के लेवल पे आया है। लेकिन शुद्धता के ग्रेडेशन में भी कई ग्रेडेशन होते हैं, उसकी थोड़ी इच्छा है इन सारे स्थानों को देखने की, कुतूहल की। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया था जैसे कोई इस जगत के स्थानों को देखना चाहता है, बहुत सारे यहाँ पे क्या है, वहां पे क्या है, कैसे भोग है ये, तो उस टाइप का योगी है ये। एडवांस्ड है निश्चित वो, लेकिन इतना नहीं है कि वो सद्यो मुक्ति का अधिकारी, तो बीच वाला है ये। तो चूंकि वो योग मार्ग में बहुत प्रगत है तो दूसरी ओर जब वो उन इच्छाओं को देख लेता है तो फिर वो तुरंत उससे छूट के आगे बढ़ता है। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर समझ लेना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ओके, रुक्मिणी वल्लभ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार प्रभु जी। ये 15.172 चेतन चरितमृत लीला, वहां पे इस तरीके से मतलब परपट से ऐसा लग रहा है जैसे कि विरजा नदी और कुशल ओशन अलग अलग है। श्री प्रभुपाद से लिख रहे हैं, विरजा इज अ रिवर दैट डिवाइड्स द मटेरियल वर्ल्ड फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ऑन वन साइड ऑफ द रिवर विरजा इज द इफल्जेंस ऑफ ब्रह्मलोका एंड इननंबरेबल वैकुंठ प्लैनेट्स, एंड ऑन द अदर साइड इज दैट इज दिस मटेरियल वर्ल्ड। इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट दिस साइड ऑफ द विरजा रिवर इज फिल्ड विद material with the planets floating in the causal ocean. The name Virja indicates a marginal position between the spiritual and material worlds, but the Virja river is not under the control of material energy, consequently it is devoid of the trigunash. To dekhiye Virja river ke upar, dekhiye Virja river ka main vardhan aata hai Padma Purana, to wahan pe zyada vardhan hai iska। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो वो वही स्थान है, उसी स्थान को कभी नदी के रूप में माना है, कभी उसी स्थान को जो सागर है कारणार्णव जो है उसके जैसा भी माना है। तो वो अलग अलग प्रकार का वर्णन दिखाई पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो दोनों का पर्पज, दोनों का स्थान एक जैसा ही है। क्या है वो, ब्रह्मांड के बाहर जब वामन जी ने भी भेद दिया था सारे आवरण को, तो कहते हैं कि कारण समुद्र का पानी आ गया या विरजा का पानी आ गया, दोनों भी बोला है, दोनों भी प्रमाण मिलते हैं, तो वो दोनों समान ही माने हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं कि विरजा के नदी के पानी में ये सब ब्रह्मांड तैरते रहते, तो वो तो कारण समुद्र के लिए भी बोला है, कारण समुद्र के लिए तैरते रहते। तो कई प्रकार के कॉस्मोलॉजी के एक्सपर्ट्स जो है क्रिएशन वाले, उनसे भी मैंने बात की, तो वो बोलते हैं कि ये विरजा नदी एवं कारण समुद्र
ये दोनों समान है, इसके कई प्रमाण है, कई जगह पे बोला है ऐसा, और प्रैक्टिकली डिपिक्ट करते हुए भी उसी प्रकार से उसको दिखाया जाता है। तो एक और वैकुंठ है, दूसरी ओर भौतिक जगत है सारा, मतलब ब्रह्मांड है, तो बीच में क्या है, बीच में कारण सागर या विरजा है, तो मुझे तो इसमें कोई मतभेद दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या एग्जैक्टली मतभेद लग रहा है? हाँ, इसमें प्रभु जी ये कह रहे हैं ना कि इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट दिस साइड ऑफ वर्जनरी, उसपे पहले दिस साइड का वर्णन किया है, अदर साइड दिस साइड मतलब मटेरियल वर्ल्ड, the side of Virgin Nadi is filled with material world floating in the Pojan Ocean. मतलब कि जो दूसरी साइड जो है उस साइड को फ्लोट वो Pojan Ocean है उसमें material world तैर रहे हैं ऐसा बोला है। मतलब Virgin Nadi है एक साइड आध्यात्मिक जगत है और दूसरी साइड Pojan Ocean है। एनीवे मैं ये रेफरेंस देख लूंगा बाद में, आपको बताता हूँ क्या है वो, मुझे भी देखना पड़ेगा रेफरेंस। बट बेसिकली आप बात कीजिए कॉस्मोलॉजी एक्सपर्ट से कोई भी, तो आपको बताएंगे कि विरजा और कारण समुद्र एक ही माना गया है। कई प्रकार के लोग स्कॉलर से मैंने बात की है इसके ऊपर, तो उसके लिए कई रेफरेंस भी दिए उन्होंने मुझे। तो प्रभुपाद जी कुछ कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई पर्टिकुलर चीज बोल रहे तो मैं देख लूंगा उसको एक बार वो भी स्टेटमेंट, बट शास्त्र के प्रमाण तो कई जगह है कि आपको दोनों एक है करके बोला। प्रभु जी वर्जा नदी के बारे में ऐसा कोई स्टोरी ऐसा कि गोपी जो है वो वर्जा नदी के रूप में परिवर्तित हो गई? देखिए वो ब्रह्मवैवत पुराण की कथा है, तो वो ब्रह्मवैवत की वैवत पुराण कथा में ऐसा कुछ वर्णन आता है वहां पर, तो देखना चाहिए, मैं वो देखता हूँ, तो आप देख सकते हो या फिर, लेकिन मेरे विचार से वो ब्रह्मवैवत पुराण की कथा। तो ये जो कथाएं है उसमें क्या होता है कि एक वो एक प्राकट्य होता है उस प्रकार। हाँ, देखिए ऐसा तो है नहीं कि उस लीला के पहले विरजा नदी नहीं, ऐसे मानेंगे क्या हम? ऐसे तो नहीं मानेंगे। तो एक प्रकार का एक प्राकट्य होता है कि मतलब वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो भी कोई विरजा बन रही है तो वो उस लीला में ऐसा हो जाता है कि वो विरजा के रूप में प्रकट हो जाती है और विरजा से मर्ज हो जाती है, इस टाइप से वो लीलाएं होती है। तो वो शुरुआत नहीं है विरजा रिवर वगैरह का, ऐसा जो टिपिकल अंडरस्टैंडिंग रहता है वैसा नहीं है। तो ब्रह्मवैवत पुराण में ही वो कथा होगी, आप देख सकते हो उसमें, मुझे याद नहीं है। थैंक यू ठीक है, और ये रेफरेंस आप मुझे पोस्ट कीजिए, मैं देख लूंगा प्रभुपाद जी का आपने जो बोला हो एग्जैक्टली क्या लिखा। माधुरी किशोरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे को ना थोड़ा ये कंफ्यूजन है, जैसे आपने इस श्लोक में बताया कि अग्निमय हो जाता है उसका बॉडी, फिर जल में, और इस तरीके से सारे वो शरीर धारण कर हो जाते हैं उसके। तो प्रभु जी जैसे हमारी बॉडी फायर के टच में आती है तो एकदम से भस्म हो जाती है ना, जल जाती है, लेकिन यहाँ पे वो अग्निमय बॉडी धारण कर पा रहा है। उसके बाद प्रभु जी जैसे आपने बताया कि मतलब जो अहंकार है, जब हमको वो ऐसी शक्तियां आती हैं तो सबसे पहले हमें अहंकार आता है, लेकिन यहाँ पे अहंकार जो है सबसे लास्ट में आया है और वो भी सतोगुणी टाइप आया है। तो प्रभु जी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बताएंगे क्या, क्योंकि मुझे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए ये तत्व है, ये जो है ना ये तत्व है सारे, मतलब ये सृष्टि के तत्व है। तो वो हमारे, जब वो हमारे सिस्टम में आते हैं तत्व, तो एक प्रकार से कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये सृष्टि विषयक तत्वों के बात हो रही है। तो जब आप अहंकार ये सोच रहे हो तो वो अहंकार मतलब कैसे, हमारे जीवन में अहंकार एक प्रकार से कार्य करता है कि वो शरीर से बांध देता है, और फिर शरीर से बांध के अहंकार की वजह से व्यक्ति मद आदि वगैरह ये सब कुछ करता है ऐसे। लेकिन ये जब सृष्टि विषय तत्व है ना ओरिजिनली, तो वो ओरिजिनल तत्व की बात हो रही है यहाँ पर। तो आप अहंकार मतलब वो ऐसे मत लीजिए कि अहंकार यानी वो कि व्यक्ति जब बहुत उद्धट हो जाता है या मद वाला, तो वहां पे सारे लोग मद से भरे हुए लोग है अहंकार वाले, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये एक तत्व है, एक सृष्टि का तत्व, जो ऐसा तत्व है कि व्यक्ति को
मतलब वो जो तत्व है वो उससे ये सब कुछ इंद्रियां आदि वगैरह निकलने वाली है ऐसे। उस तत्व को जब व्यक्ति भौतिक शरीर धारण करता है तो वो तत्व हमारी सिस्टम में अलग काम करेगा। फिर वो किस किस चीज कुछ कुछ चीजों के कारण बनेगा, जैसे मद का कारण बनेगा, क्रोध का कारण बनेगा वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो है वो मूल, उसका मूल जो तत्व है वो तत्व है यहाँ। जैसे पृथ्वी, जल, ये सारे जो तत्व है ना, ये भी यहाँ पर क्या है, ये मूल तत्व है। तो उससे थोड़ा सा पार्ट हमारे शरीर में आता है। ये जैसे ये योगी भी है तो उसके शरीर में भी वो तत्व थोड़े 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 पार्ट में है, ऐसा है। तो वैसे ही अहंकार तत्व जो है, सृष्टि विषय सृष्टि वाला तत्व, वो हमारे मन में आता है वगैरह, तो उसका इफेक्ट जो होता है वो अलग होता है। यहाँ पे बात जो है वो ओरिजिनल तत्व की है। जैसे आप सोच सकते हो कि एक थोड़ा स्टोर हाउस जैसा है, तो उस स्टोर हाउस को लेके फिर हमारी सिस्टम में वो अलग कार्य करेगा। तो ये व्यक्ति क्या है, मतलब जब वो अहंकार के आवरण में पहुंच जाता है तो मतलब उस स्तर पे बस उसकी एक थोड़ी आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान है उसकी भौतिक तत्व के प्रति, उतना ही है वो अहंकार का जो मूल रूप होता है। उसके विकार हमारी सत्ता में दिखते हैं। तो यहाँ पे विकार की बात नहीं हो रही, वो जो ओरिजिनल तत्व है उसकी बात हो रही है। तो उस तत्व को लांघे वो फिर चला जाता है, ऐसी बात है। तो आप जो बोल रहे हैं ना, वो विकार के लेवल पे कार्य करता है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो ओरिजिनल सृष्टि तत्व है ये सर। अब प्रोफेसर, जैसे आप ये बता रहे हैं अभी, जैसे थोड़ा थोड़ा पार्ट होता है सबका, जल का और वो सबका, लेकिन जब वो बॉडी जल में हो गई, अग्नि में हो गई, तो फुल परसेंटेज उसी का हो जाता है क्या? तो देखिए कैसे है, यहाँ पर ये जो व्यक्ति है योगी, अलग 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 प्रकार के शरीर धारण करता है ना, तो उस पर्टिकुलर मतलब वो आवरण से जाते हुए ऐसा नहीं है कि बाकी जो आवरण है पूरी तरह से हट गए, लेकिन वहां पे जो भोग्य वस्तु है उसका भोग करने के लिए उसको पूरा पूरा वहां पे पृथ्वीमय शरीर जो है वो दिया जाता है। देखिए हमारे भी सिस्टम में अभी जैसे हमारा शरीर है, इसमें प्रधान रूप से पृथ्वी है, लेकिन ऐसे नहीं कि दूसरे नहीं है, जल भी है, वायु भी है, प्रधान रूप से हमारा शरीर पृथ्वी वाला। तो वैसे ही वो जब उस आवरण में जाता है तो प्रधान रूप से उसका शरीर उस आवरण का होता है, लेकिन बाकी भी चीजें होती है। इसलिए वो फिर अगले में जाता है तो वो जल जो है वो प्रधान हो जाता है, उसके अगले में वो फिर अग्नि प्रधान हो जाता है, और पीछे वाले छूटते जाते हैं उसके ऐसे। तो वो पूरा पूरा जब मैं कह रहा हूं तो आप उसको प्रधान रूप से लीजिए। जैसे ये भी स्थूल शरीर है हमारा, उसमें पृथ्वी प्रधान है, लेकिन तो भी बाकी पांचों एलिमेंट भी है इसमें, तो वैसे ही उधर भी होता है, लेकिन वो सूक्ष्म स्तर पे होता है, इतना ही अंतर। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यस महायोगी प्रभु। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ऐसा सुना था कि जब भक्त वैकुंठ पहुंचता है या भगवत धाम पहुंचता है तो भगवान की सेवा में आनंद लेता है, लेकिन जब वो ब्रह्म ज्योति में पहुंचता है तो आदमी जैसे कोमा में होता है, उसे किसी भी आनंद का या इसका मालूम नहीं होता उसे। तो इधर तो आनंदमय जीवन में जीता, आनंदमय रहता है ऐसा बोला है, तो ये कैसे? वो आनंद प्रभु इसका रहता है कि आत्यंतिक दुख निवृत्ति का आनंद होता है। भौतिक जगत में जो उसने इतने सारे दुख सहे, इतने सारे आसक्तियां, ये सब कुछ जो है ना, जब इससे व्यक्ति छूट जाता है और केवल समझ लेता है कि मैं शरीर हो ही नहीं, तो इतना जो मैं दुख भोगा वगैरह शरीर की वजह से, वो शरीर मैं हूं ही नहीं, मैं तो आत्मन हूं, मैं तो चितगण हूं, चितकन हूं, मुझे इस शरीर से कुछ लेना देना ही नहीं। तो वो आत्यंतिक दुख निवृत्ति का भी एक आनंद माना गया, जिसको ब्रह्मानंद का है। ब्रह्म हूं मैं बस, ये समझ लेना इतना कि मैं समझ, मतलब समझ नहीं, वो साक्षात्कार कर लेना, साक्षात्कार कर लेना कि भाई मैं शरीर हूं ही नहीं। अरे तो
जैसे कोई बहुत दुख में भोग रहा था, दुख में था, और जब वो व्यक्ति उस दुख से छूट जाता है तो उसमें भी एक आनंद है। वो आनंद भक्ति के आनंद के सामने कुछ भी नहीं। भक्ति का आनंद तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन वो जो समझ जाना कि मैं आत्मन हूं, उसको भी शास्त्र में बहुत बड़ा आनंद बोला है, वो ब्रह्मानंद कहा गया है। और वो आनंद बहुत एक, उसकी भी एक मात्रा है, तो उस आनंद को यहाँ पे शांतम आनंदम ऐसे कहा गया, उसको कह सकते हैं उस प्रकार से। तो इसलिए ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद शब्द आपने सुना होगा कई बार, हाँ ब्रह्मानंदी लागली टाड़ी, ब्रह्मानंद की बात करते हैं। तो ब्रह्मानंद क्यों? क्योंकि उसमें भी एक लेवल का आनंद है, लेकिन उसको वैष्णव लोगों ने बहुत मतलब नीचे के स्तर का माना है। तो इसलिए मुक्ति का आनंद है, वो मुक्ति आनंद व ब्रह्मानंद व आत्मानंद ऐसे कहते हैं, बस वो समस्त दुखों से मुक्ति हो गई है उसे, तो ऐसा वो आनंद लेके वहां पे रहता है। और वो क्या मांगता है भगवान से कि मुझे अद्वैत चाहिए, तो वो जो द्वैत का भाव होता है कि मैं हूं और भगवान है, वो मांग के भगवान से वो द्वैत का भाव खत्म कर देता है। भगवान से मतलब उसकी प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया के द्वारा वो वही व्यक्त कर रहा है परमात्मा को कि मेरा यह द्वैत ही खत्म कर दीजिए। तो चूंकि वो चाहता है वैसा, इसलिए भगवान खत्म कर देते हैं द्वैत के भाव, फिनिश्ड, अभी बस अद्वैत भाव रहता है वहां, मैं आत्मा हूं बस, और मैं आत्मा हूं, मैं किसकी पूजा करना चाहिए, ऐसा द्वैत का भाव आता ही नहीं। वो सेटल हो जाता है उधर कि अद्वैत करके पूरा एकदम, तो उसमें दो ऐसा कभी विचार ही नहीं आता कि मैं हूं और मैंने क्या करना चाहिए, मैं बोर होना चाहिए, मैं बोर हो रहा हूं, ये क्या है, यहाँ पे क्यों अटक गया, ऐसा विचार आता ही नहीं उसके मन, क्योंकि उसको वैसा दे दिया गया है, वो ऐसा है जैसे केवल आत्मा के रूप में वो रहता है। तो देखो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि भाई भौतिक जगत में जीव शाश्वत काल के लिए रह सकता है, तो ब्रह्म में क्यों नहीं रह सकता। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं भौतिक जगत में भी जीव शाश्वत काल के लिए रह सकता है कि नहीं? भौतिक जगत क्या है? आत्मा का भौतिक जगत से क्या लेना देना है वास्तव? तो लिटरली आत्मा ऐसा है मानो जैसे सो रहा है भौतिक जगत, हाँ एक प्रकार से देखा जाए तो। अगर वो भौतिक का जगत में नित्य बद्ध करके रह सकता है तो ब्रह्म ज्योति क्या है? वो तो बड़ी चीज है इससे भी, भौतिक जगत से। तो इसलिए वहां पे वो उस अद्वैत को धारण करके शाश्वत काल के लिए रह जाएगा। बस उस पे कोई कृपा हो गई, कोई भक्ति महान, तभी वो उससे बाहर निकलेगा। लेकिन उसने अद्वैत मांग के ले लिया ना, वो तो अभी वो फिनिश्ड स्पिरिचुअल सुसाइड है वो। तो इसलिए वैष्णव लोग बिल्कुल उसके मतलब वैष्णव लोग उसको बहुत भयंकर गंतव्य मानते हैं, उस गंतव्य से कभी छूट ही नहीं पाएगा वो, ये बात। ठीक है महायोगी? यस प्रभु, थैंक यू। पुरुषोत्तम हरि प्रभु। नो प्रॉब्लम प्रभु जी, ऐसा कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म है क्या? क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि विषय सके ठाकुर और शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्म ज्योति से वापिस आता नहीं जो जीवात्मा है, लेकिन प्रभुपाद ने बहुत बार बोला कि ब्रह्म ज्योति से हम वापिस आ जाते हैं जो भी जीवात्मा जाता है। तो ऐसा कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है सैक लेवल पे या जीपीसी लेवल पे जिसमें कुछ प्रॉपर माना जाए, एक स्टेटमेंट जो है एक्सेप्टेड? हाँ, थोड़ी आजकल उस पर चर्चा चल रही है कि इसके ऊपर ठीक से आकलन करके विवरण करके अलग मतलब ढंग से इसको सिद्धांत को प्रस्तुत करना चाहिए करके, तो थोड़े बहुत इस पे चर्चा चल रही है। पहले तो ये चर्चा भी काफी रिस्की कही जाती थी, कोई चर्चा भी नहीं कर पाता था इस विषय को, लेकिन थोड़ा आजकल इस विषय को खुल गया है क्योंकि बहुत जगह पे इसकी चर्चा होती है। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट जो है उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करके उसके प्रॉपर प्रमाण आदि देखे, प्रभुपाद जी के वाक्यों का क्या वास्तविक वहां पर अर्थ है या उन्होंने किस दृष्टिकोण से बोला है, इसके ऊपर चर्चा की कुछ जरूरत जो है वो सामने आ रही है। तो अभी तो इस विषय को पूरी तरह से चर्चा करके इसको सेटल नहीं किया है, क्योंकि कई बार तो
इस विषय को चर्चा भी करना गलत मान देते हैं या सोचते हैं कि ये प्रभुपाद जी के प्रति निष्ठा नहीं है, तो ऐसी तो बात है नहीं ना। हम सब प्रभुपाद जी के ही उनके ही चरणों के अनुयायी है, उनके ही सेवा, उनके ही आंदोलन में सेवा करते हैं। लेकिन उनके स्टेटमेंट्स जो है उसको अगर कोई बाहर से व्यक्ति कुछ आक्षेप ले रहा है तो उसको उत्तर भी देने को आना चाहिए हमें, ये कौन से आधार पर प्रभुपाद जी लिखा है, कौन से आधार पर लिखा है, ये बात है। तो इसमें प्रभु जरूरत है रिसर्च करने की, यहाँ पे अभी तो ऐसे पूरा इस पे सेटल नहीं है, लेकिन ये विषय जारी है, ये इस पे चर्चा आदि वगैरह। तो जो प्रभुपाद जी के कई स्टेटमेंट्स है ऐसे कि जिसको शास्त्र के प्रकाश में अगर हमें बाहर वाले लोगों से, इस फॉर्म में तो हम प्रभुपाद जी को निश्चित रूप से उसमें कोई विवाद ही नहीं है, निर्विवाद रूप से सत्य मानते, लेकिन किसी बाहर वाले को समझाना है जिसका वैसे जिसकी श्रद्धा नहीं होगी, तो फिर आपको सारे प्रमाण के साथ उसका समन्वय करना पड़ेगा। तो ये बातें है प्रभु, ठीक है। शुभेंद्र कुमार, यस शुभेंद्र कुमार जी बोलिए, ठीक है। रुक्मिणी वल्लभ प्रभु आप क्या बोल रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी जैसे कि आया था कि योगी जब जाता है जल में जाता है, पहले अर्थ में जाता है तो अर्थ में शरीर पर जल, ऐसे क्रम में जैसा अलग अलग उसमें जाता है उस तरीके शरीर मिलता है। उसका एक रीजन ये बताया कि वो उस तरीके का भोग करने के लिए उसको उस तरीके का शरीर मिलता है। भोग की इच्छा तो प्रभु जी जब वो छोड़ देता है तभी तो मुक्ति की तरफ बढ़ता है, तो फिर दोबारा उस तरीके से भोग के लिए अलग अलग शरीर लेके जाना वो क्यों, वो मुझे समझ में नहीं आया। वापस उस तरीके शरीर भोग की इच्छा है तभी तो मुक्ति के लिए बढ़ता है, मतलब क्या? ये तो हम क्रम मुक्ति वाले की बात कर रहे हैं ना जी प्रभु जी। हाँ, तो क्रम मुक्ति वाले का क्राइटेरिया ही वो है कि वो जो ऐसा व्यक्ति है कि जो व्यक्ति योग उसके योग बल पे जो उसको अलग अलग ग्रह दिखते हैं उस ग्रह के प्रति उसकी आकांक्षा हो जाती है, उसको मालूम है कि मैं योग के बल पर कोई भी वांछित जगह पे जा सकता हूँ, तो उसने मार्ग योग का ले लिया, लेकिन उसको उस योग मार्ग के जो आनुषंगिक फल है उसके बारे में उसकी आसक्ति हो गई। वो चाहता है कि ये इन सारे साधनों को देखो, ये विहार भोग्य विहार साधन वगैरह जो है उनको देखो, इस प्रकार का। तो ग्रेडेशन है ना प्रभु, शुरुआत में भले ही उसने स्थूल भोगों को वगैरह त्याग दिया लेकिन उसके मार्ग के जो आनुषंगिक फल है उसमें उसका थोड़ा कुतूहल बन जाता, ऐसी बात। तो उसके योग मार्ग से वो कोई भी वांछित गंतव्य पर जा सकता है, तो फिर वो योगी ऐसा होता है कि वो सोचता है कि भाई चलो जाके देखते हैं फिर ये स्थान क्या है, यहाँ के भोग क्या है, किस प्रकार के भोग है, वो कितने हद तक भोग करता है वगैरह। देखो इवन उसका कुतूहल या देखने की इच्छा है उसको भी भोग कहा जा सकता है। अभी इतना डिटेल वर्णन कहाँ पे है नहीं कि वो एग्जैक्टली भोगता है, मतलब करता क्या है। भोग्य वस्तुषु विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इतना लिखा है सिर्फ कि वो भोग्य वस्तुषु संप्राप्य, मतलब वो जो भोग्य स्थान है वो विहार स्थान है वहां वहां जाके उसका वो कुतूहल समाप्त हो जाता है और फिर वो आगे बढ़ता है, ये बात है। तो वो पूरी तरह से इसलिए ऐसा योगी तो मानते नहीं कि जो योगी पूरी तरह से सद्यो मुक्ति का अधिकारी है, इसलिए वो क्रम मुक्ति का अधिकारी है, तो फिर सद्यो मुक्ति का अधिकारी हो जाता था ना, फिर काई को आपत रही। लेकिन ये है ही जिसमें वैसा कुतूहल है उसके मार्ग की वजह से, इसकी वजह से वो चला जाता है उसके पीछे। तो प्रभु जी सद्यो मुक्ति वाला जो अधिकारी है वो इन आवरणों को भेदते हुए इस क्रम में नहीं जाएगा ना, कि मतलब नहीं जाएगा। नहीं नहीं, वो सीधे चला जाएगा ना, हमने देखा कल कि वो सीधा वो ब्रह्मरंध्र से निकलता है उसका आत्मा और सीधा आत्मा ब्रह्म में जाके विलीन होता है, उसको वो लेयर क्रॉस नहीं करनी होगी अलग अलग करके, मतलब वो वहां जाके निवास नहीं करता है, ये बात है। ब्रह्मांड से बाहर जा रहा है तो वो तो सबको पार करके ही जा रहा है, लेकिन वो वहां पर निवास नहीं करता है जा। ठीक है,
ओके, तो ये बचा हुआ सेक्शन खत्म करते हैं, 32 से लेके बचे हुए तक ये अध्याय समाप्त हो। ओके, देखिए ये कहा था जैसे कि ये बीच वाला प्रकरण था जो कि अष्टांग योग के द्वारा जो देह त्याग करना चाहते हैं तो उन्होंने क्या करना चाहिए ये बोलना। तो ये द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय में प्रारंभ हुआ ये विषय, राइट, 15वें श्लोक से ये विषय प्रारंभ हुआ था योगी लोगों का कि भाई योग के द्वारा शरीर त्याग दे करके। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने इस सब का वर्णन किया और वो वापस मूल विषय पे आते हैं, भक्ति का उत्कर्ष। भक्ति के उत्कर्ष से प्रारंभ किया था, आपको याद होगा, तस्मात भारत सर्वात्मा आदि, एतन निर्विद्यमाना नाम आदि, भक्ति के उत्कर्ष से प्रारंभ किया था। अभी भक्ति के उत्कर्ष से अंत कर रहे, ये बीच वाला मध्यम प्रकरण इंटरमीडिएट टॉपिक था और फिर इसके आगे वाला तीसरा अध्याय भी भक्ति का उत्कर्ष ही बोलेगा, वो भी सेम टॉपिक चल रहे हैं। चौथे अध्याय में हरे है सन्नति, भगवान हरि को प्रार्थना करेंगे, मंगलाचरण करेंगे सुखदेव गोस्वामी। इस प्रकार से ये विषय आगे बढ़ रहा है। एते श्रुति ते नृप वेद गीते त्वयाभिपृष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आहतुष्ट आराधितो भगवान वासुदेव। सुकुमारी रीता माता जी धन्यवाद पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथनानुसार है और वही सनातन सत्य है। इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न हुए थे। हरे कृष्ण। yes. तो देखिए एते श्रुति ते नृप वेद गीते, ये जो दो मार्ग है श्रुति द्विवचन में, तो ये दो मार्ग जो है वेद के द्वारा गाए गए, वेद के द्वारा बोले गए हैं। मैंने मनमाने रूप से नहीं बोले, सुखदेव कह रहे हैं। त्वया अभिपृष्टे च सनातने च, और तुम्हारे द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था मरते हुए आदमी का क्या कर्तव्य है, इसलिए उसके उत्तर के संदर्भ में मैं ये दो मार्ग जो है तुम्हें बताया है। ये वही पूरा ब्रह्मणा आह तुष्ट, ये दो मार्ग जो है वो ब्रह्मणे ब्रह्मा जी को बोले गए थे, इसके द्वारा भगवान वासुदेव। एक बार ब्रह्मा जी ने जब वासुदेव भगवान को तुष्ट किया उनकी आराधना से, तब भगवान ने भी योगी लोगों के ये दो मार्ग ब्रह्मा जी को बताए, ऐसे सुखदेव गोस्वामी कह रहे। मतलब बता रहे कि मैं जो बता रहा हूँ ये तुम्हें ये परंपरा से आया है, मैं अपने मनगढ़ंत तरीके से कुछ बता नहीं रहा, ये वेद में बोला है और ये भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को बोला गया था, इस प्रकार से इसको बता रहे। तो ये वेद में कहाँ आते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इसको बोला है। तो ये दो मार्ग क्या है, देखिए सद्यो मुक्ति का मार्ग है, निर्भिद्य मूर्धन विसृजेत परम गता, हाँ ये 21वां श्लोक है। तो 21वें श्लोक तक सद्यो मुक्ति का मार्ग बोला था, ये एक श्रुति हो गई, हाँ एक मार्ग हो गया। और यदि प्रयास्यन, ये जो है क्रम मुक्ति वाला मार्ग हो गया, 22वें श्लोक से हुआ था शुरू, तो ये दूसरा श्रुति है। ऐसे एते श्रुति, ऐसे दो श्रुति जो है, दो मार्ग जो है वो मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया, तो यही वेदों में भी बोले गए हैं वो कहते हैं। तो उसके लिए वो यहाँ पे वेदों से कुछ वचन उद्धृत करते हैं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य रतिस्थिता अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते, ये उपनिषद में है। सद्यो ते अर्चिभिर अभिसंभवन्ति, ये भी उपनिषदों से बोला है क्रम मुक्ति का मार्ग। मतलब आप ये सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के मार्ग उपनिषदों में भी आपको दिखाई पड़ेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है प्रभुपाद जी, परव्योम तक पहुंचने और इस प्रकार भौतिक बंधन से मोक्ष पाने के दो भिन्न भिन्न मार्ग,
एक है भगवत धाम पहुंचने का सीधा मार्ग सद्य मुक्ति, और दूसरा अन्य उच्च लोकों से होकर धीरे धीरे पहुंचने की क्रमिक विधि क्रम मुक्ति। तो देखिए सद्योमुक्ति और क्रम मुक्ति, इससे सीधा भगवत धाम या ब्रह्म ज्योति जा सकते हो, या फिर धीरे धीरे क्रम मुक्ति के मार्ग से जा सकते हो। ये दोनों भी मार्ग दिए। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को वेद सुनाया, ब्रह्मा ने नारद मुनि और श्री नारद मुनि ने श्रील व्यास। तो ये गुरु शिष्य परंपरा की बात क्यों कह रहे, क्योंकि यहाँ पे सुखदेव ने भी इस कथन का पूर्व वृत्त जो है वो सुनाया, कि ये जो वृत्तांत है वो ब्रह्मा जी को सुनाया था भगवान के द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा। तो इसलिए मैं तुम्हें ये सुना रहा हूं। ये परंपरा का महत्व बोला है, ठीक है, प्रभुपाद जी आगे परंपरा की। न ह्यतोन्य शिव पंथ विशत संस्कृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। पुरुषोत्तम हरि प्रभु अनुवाद पढ़े। जो जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। हाँ, तो देखिए ये भक्ति पे विषय वापस आ गया, जो हमने छोड़ा था ना भक्ति का विषय, तावत सांपरायिकम, पहले अध्याय के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 14वें श्लोक में छोड़ा था भक्ति का विषय, बराबर है, तो वो विषय पे वापस आ गए। न ही अतो अन्य शिव पंथा विशत संस्कृता। देखो भाई, संस्कृति जन्म मृत्यु में जो घूम रहा है, जन्म मृत्यु में जो भटक रहा है, ऐसे व्यक्ति को इस मार्ग से अन्य कोई शिव पंथ नहीं है। अतः नहीं अतः अन्य शिव पंथ, इस मार्ग से अन्य कोई शिव या मंगलकारी कल्याणप्रद पंथ नहीं है। कौन से मार्ग से? वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो। जो मार्ग वासुदेव भगवान वासुदेव में भक्ति योग को प्राप्त कराएगा, उस मार्ग से अन्य कोई मंगलकारी कल्याणप्रद पंथ ये जन्म मृत्यु के संसार में भटकते हुए व्यक्ति के लिए नहीं है। मतलब जिस मार्ग के द्वारा वासुदेव भगवान में भक्ति योग हो जाए वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग, उससे कोई अन्य शिव पंथ नहीं है, उससे कोई अन्य कल्याणप्रद पंथ नहीं, ऐसे बोल रहे। सबसे कल्याणप्रद जो है वो वही मार्ग है जिससे भगवान वासुदेव में भक्ति योग हो जाए, ऐसे ये बात है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ने टीका करते हुए कहा है कि ये जो भक्ति योग बोला है कि जिस मार्ग के द्वारा भक्ति योग भगवान वासुदेव में भक्ति योग हो जाए, वो कहते हैं कि वो भक्ति योग मतलब प्रेम भक्ति है, और जिस मार्ग से प्रेम भक्ति प्राप्त होती है वो क्या है? साधन भक्ति है। तो इसलिए ये साधन भक्ति ही जीवात्माओं के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, उससे अन्य शिव पंथ, उससे ज्यादा शिव पंथ कोई नहीं है, इस प्रकार से टीका की है विश्वनाथ चक्रवर्ती। यतः भक्ति योगा भवेत। देखो भाई, वो मार्ग सबसे श्रेष्ठ है जिसके द्वारा वासुदेव भगवान वासुदेव में भक्ति योग हो जाए। तो ये भक्ति योग मतलब देखो, ये ऐसी ये श्लोक उस टाइप से लिखा है जैसे सवय पुंसाम परो धर्मो श्लोक है, सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहै तुक्य प्रतिहता ययात्मा सुखसि। परो धर्म तो उसको कहा गया है कि जिसके द्वारा क्या होगा, जिसके द्वारा अधोक्षज में भक्ति हो जाए। कैसी भक्ति? अहेतुकी अपति, उसको परोधर्म बोला गया। तो वो परोधर्म क्या होता है? आपको याद है हमने इसकी चर्चा की थी विस्तार से, वो परोधर्म किसको कहा है, कौन सा वो परोधर्म है जो अहेतुकी अप्रतिहता मतलब प्रेमा भक्ति के पास लेके जाए? क्या वो वर्णाश्रम है? क्या वो
क्या वो कर्म मिश्रा भक्ति है, क्या वो ज्ञान मिश्रा भक्ति है, कि वो निष्काम कर्म योग है क्या वो? रुक्मिणी वल्लभ प्रभु क्या है वो? ये तो भक्ति अधोक्षज है, भगवान अधोक्षज की भक्ति, सावेपुन संपरो धर्म में तो भक्ति अधोक्षज, मतलब भगवान अधोक्षज की भक्ति करना। हाँ, अधोक्षज की भक्ति है ना प्रभु, वहां पे वो प्रेमा भक्ति के लिए लागू होता है। लेकिन श्लोक, हाँ श्लोक ये बोल रहा है कि परोधर्म वो होता है जो प्रेमा भक्ति को प्राप्त करा दे। तो परोधर्म क्या हुआ? परोधर्म भगवान की सेवा करना, साधन भक्ति। साधन, साधन भक्ति, दैट्स इट, सही उत्तर। साधन भक्ति है वो, वहां पे परोधर्म साधन भक्ति है। वो ना तो ज्ञान योग है, ना कर्म योग है, ना निष्काम कर्म योग है, कुछ नहीं। उनसे किसी से भी प्रेमा भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता व्यक्ति। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने टीका में बोला है, मैंने इसकी चर्चा की थी आप लोगों को सिखाते हुए। ये मार्ग जो है ना, निष्काम कर्म योग वगैरह वगैरह, वो अपने से कभी भी शुद्ध भक्ति की ओर नहीं लेके जा सकते, संभव ही नहीं है। वो क्या होता है, उन उन मार्गों में अगर वो यदृच्छा या भगवान की कृपा से किसी भक्त को मिल जाए, तो उस भक्त की कृपा से फिर वो भक्ति की ओर उन्मुख हो सकता है। लेकिन वो सिर्फ अपना मार्ग करता रहेगा, वो निष्काम कर्म योग या सकाम कर्म योग या फिर अज्ञान योग, उससे नहीं कभी भी वो यतो भक्ति रधोक्षजे नहीं हो। तो इसलिए वो जो परोधर्म है, वो परोधर्म साधन भक्ति है, क्योंकि केवल साधन भक्ति ही प्रेमा भक्ति की ओर लेके जाती है, ये बात है, बाकी ये मार्ग नहीं लेके जाते। तो इसलिए यहाँ पे भी वैसा ही श्लोक बोला है, वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवे। वो सबसे बड़ा शिव पंथ है, या उससे अन्य कोई शिव पंथ नहीं है जो कि एक व्यक्ति को भक्ति योग, वासुदेव में भक्ति योग प्राप्त करा दे। तो वो भक्ति योग प्राप्त कराने वाला शिव पंथ साधन भक्ति है, और भक्ति योग का अर्थ यहाँ पर प्रेमा भक्ति है। श्री संजीव गोस्वामी भी वैसा ही अनुवाद किया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी वैसा ही अनुवाद किया है इस श्लोक का। हाँ देखिये, भक्ति योग प्रेमा बोल दिया उसको, यतः भक्ति योग प्रेमा भवे, जिसके द्वारा भक्ति योग को प्राप्त कर ले, मतलब प्रेम को प्राप्त कर ले, तो मतलब वो मार्ग क्या हो गया? वो मार्ग तो सीधा है ना, कि वो साधन भक्ति का मार्ग, यही बात है इस प्रकार से। तो ठीक है प्रभुपाद जी, जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, भक्तिमय सेवा या प्रत्यक्ष भक्ति योग ही भवबंधन से उद्धार का एकमात्र पूर्ण एवं कल्याणप्रद साधन। प्रभुपाद जी कहते हैं अन्य अन्य भी साधन है भवबंधन से उद्धार के, लेकिन वो कल्याणप्रद नहीं। ज्ञान तथा योग के साधन एवं अन्य संबंधित विधियां कर्ता का उद्धार करने हेतु स्वतंत्र नहीं है। ऐसे कार्यों से मनुष्य अनेक अनेक वर्षों के बाद भक्ति योग की अवस्था प्राप्त करता है। वो भी कैसे, वो भी उसको अगर भक्तों का संग मिलेगा तो, हाँ ऐसे नहीं कर पाता है वो, कितने भी साल ज्ञान योग करने दो उसको, वो भक्ति को प्राप्त नहीं होगा। वो तो तभी भक्ति को प्राप्त होता है जब उसको शुद्ध भक्ति मध्यम अधिकारी की संगति प्राप्त होती है। हाँ, तो वो मार्ग अपने में तो क्या है, निष्काम कर्मयोग का मार्ग कहाँ लेके जाएगा? निष्काम कर्मयोग का क्या गंतव्य होता है, कौन बताएगा? बोलिए, निष्काम कर्मयोग का गंतव्य क्या होता है? आत्म साक्षात्कार। हाँ, आत्म साक्षात्कार तो सभी का गंतव्य है, लेकिन गंतव्य बोल रहा हूँ मतलब इस जन्म के पश्चात क्या गंतव्य होता है? सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति, निष्काम कर्म योग का। ज्ञान योग का क्या गंतव्य होता है? सायुज्य मुक्ति, निष्काम कर्म योग का स्वर्ग इत्यादि। हाँ, निष्काम कर्म योग में दो गंतव्य होते हैं प्रभु, उसमें एक एक लेवल पे स्वर्ग भी होता है, दूसरे लेवल पे अगर वो पूरे निष्काम कर्म भाव से कर रहा है तो वो व्यक्ति सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती समझाते दो गंतव्य हो सकते हैं उसकी केस में, तो एक स्वर्ग भी हो सकता है अगर वो इच्छा करता है वैसी, और दूसरा जो है वो सायुज्य मुक्ति होता है। सकाम कर्मयोग का निश्चित रूप से स्वर्ग ही होता है 100%। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मार्ग
कितने भी साल के लिए कोई कर ले, अपने में वो तो उस मार्ग की सिद्धि दिला देंगे ना, वो क्यों तुमको प्रेमा भक्ति में लेके आएंगे? नहीं लेके आएंगे वो, बिल्कुल। वो तब लेके आते हैं जब उस मार्ग में किसी को बहुत सौभाग्य से वो मिल जाए किसी भक्त को। जैसे प्राचीन बरिषद था, सकाम कर्म योग में लगा हुआ था, लेकिन नारद मिल गए तो फिर भक्ति के मार्ग में आ गए। हाँ, या अन्य अन्य जो भी ज्ञान योग में लगे हैं कुमार, तो जय विजय की कृपा से या ब्रह्मा की कृपा से या नारद की कृपा से आप कह सकते हो वे जो है भक्ति योग में आ गए। तो ऐसा होता है वो, तो अपने में तो उस मार्ग का गंतव्य है, वो तो उस गंतव्य को प्राप्त करके चला जाएगा ना। ये बात है, ठीक है। ये जो चीज है यहाँ पर बताया है कि कैसे भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति योग का ही गंतव्य सर्वश्रेष्ठ है इन मार्गों से, इसलिए यही सर्वश्रेष्ठ शिव मंगल का ही मार्ग। भगवान ब्रह्म कात्स्नेनिक्षमनिषया तदध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवे। अनुवाद पढ़िए महासेवक। महापुरुष ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक तथा अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली पर भांति समीक्षा कर लेने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण यानी रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। हाँ, तो देखिए भगवान जो है, भगवान उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 बार ब्रह्म का अन्वीक्षण किया। ब्रह्म यहाँ पे वेद के लिए बोला है, ब्रह्मा जी के लिए नहीं बोला। तो भगवान ने वेद का पूरी तरह से 3 बार अन्वेषण किया, मतलब 3 बार बड़े अच्छे से उसको परीक्षा की अपने मनीषा के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा। और फिर उन्होंने क्या ये किया निश्चित कि भाई जो सर्वश्रेष्ठ श्रेयस है वो तो वही है रतिरात्मन यतो भवे, वो तो वही मार्ग है जो भगवान के प्रति रति दिला दे। वही बोल रहे जो ऊपर बोला है वैसे भक्ति योगो यदा यदा भवे, तो वैसे ही जो प्रेम है उसका ही रति जो है पहला स्टेज है भाव भक्ति। तो जिस मार्ग से भगवान में रति हो जाए उस मार्ग को निश्चित कर दिया भगवान ने 3 बार अध्ययन करके वेदों का। तो ये भगवान कौन है, देखो इसमें 2 मत है। एक तो ये ब्रह्मा जी के लिए भी लागू होता है जो श्रीधर स्वामी ने कहा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बात करते हुए इस टाइप से लिखा है कि ये वेद व्यास को लागू है। स मुनिर्भूत्वा चिंतयत, वेद व्यास के बारे में भगवान के लिए ऐसा बोला है कि वो ही स्वयं मुनि बनके, मतलब वेदव्यास बनके उन्होंने सोचा। स मुनिर्भूत्वा अचिंतयत, तो इसलिए इसमें दोनों भी मत है कि वेदव्यास जी ने भी 3 बार शास्त्रों का अध्ययन करके ये डिसाइड किया कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साध्य है, साधन है। भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है, प्रेमा ही सर्वश्रेष्ठ साध्य है। या फिर ब्रह्मा जी का विषय चल रहा है तो ब्रह्मा जी भी श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान से वेद का ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपनी मनीषा से 3 बार उसको अध्ययन किया और फिर ब्रह्मा जी समझ गए कि सर्वश्रेष्ठ जो है वो भक्ति का ही मार्ग है, भक्ति का ही साध्य साधन, सब कुछ जो है सर्वश्रेष्ठ कहा जाए। ये बात है, ठीक है। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ने यहाँ पे किया है ये सब चीजें। स मुनिर्भूत्वा समचिंतयत, भगवान के लिए उन्होंने कहीं पर भी ब्रह्मा शब्द बोला ही नहीं इस श्लोक के ठिकाने, तो वो ब्रह्मा के लिए भी लागू हो सकता है जैसे श्रीधर स्वामी ने किया, या फिर वो व्यासदेव जी के लिए लागू हो सकता है, या स्वयं भगवान के लिए भी लागू हो सकता है। स्वयं भगवान ने भी ये निर्धारित कर दिया कि कैसे ये शास्त्र जो है उसका सर्वोच्च सिद्धि साधन मतलब भक्ति ही है। ये बात,
श्री शुभदेव गोस्वामी वेदों के सर्वोपरि प्रमाण ब्रह्मा का उल्लेख करते हैं, जो भगवान के गुणावतार है। भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को वेदों की शिक्षा दी गई। यद्यपि ब्रह्मा ने साक्षात भगवान से वैदिक उपदेशों का श्रवण किया, लेकिन वेदों के भावी जिज्ञासुओं की उत्सुकता को तुष्ट करने हेतु उन्होंने एक जिज्ञासु की तरह तीन बार अध्ययन किया। तीन बार कहा जाता है ना, कोई भी चीज आप अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो तीन बार अध्ययन करना चाहिए। त्रिवार अध्ययनम, तो वैसे ब्रह्मा जी ने भी किया और फिर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे। कई जगह पे बोला है कि वो पहली बार कर्म के निष्कर्ष पे पहुंचे, फिर ज्ञान पे, और फिर अंत में भक्ति के निष्कर्ष पे पहुंचे। तो बेसिकली अंतिम वो निष्कर्ष पे पहुंचे कि भक्ति जो है वही सर्वश्रेष्ठ। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरि दृष्टे बुद्ध्यादि भेद्रक्ता लक्षणायर अनुमापकये। श्याम भजन प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित है, और जब हम देखते हैं तथा बुद्धि की सहायता लेते हैं, तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है और इस परिकल्पना की पुष्टि होती है। हरे कृष्ण। तो देखिए, प्रभुपाद जी श्रीधर स्वामी का आक्षेप जो यहाँ पे लिखा है, जनसामान्य का यह आम तर्क है कि चूंकि भगवान हमारे आंखों के सामने नहीं दिखते, तो फिर कोई किस तरह उनकी शरण में जाए या उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे। श्रीधर स्वामी ने आक्षेप किया है, मतलब श्रीधर स्वामी की टीका में आक्षेप। तो क्या भगवान जो है उनके सत्ता का हम तर्क के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा उसको प्रस्थापित कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। हाँ, तर्क के द्वारा आप भगवान को साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उनकी सत्ता को, उनके भगवान जो है उनके इस जगत में कार्यरत होने के मुद्दे को तो समझ सकते हो। हाँ, ये चीज बात बताई जा रही है। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः, समस्त जीवों में भगवान जो है देखे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं कि वो समस्त जीवों के नियंता के रूप में कार्यरत है। कैसे भाई? स्वात्मना हरि दृश्य बुद्ध्यादि भी दृष्टा। देखो, जो दृश्य चीजें है, मतलब जो दिख रहा है, जो दृश्य है, और बुद्धि है हमारी, बुद्ध्यादि भी, तो इस दृश्य चीजों से और बुद्धि आदि के द्वारा जो दृष्टा है भगवान, तो ऐसे भगवान को विविध लक्षणों से, परिकल्पनाओं से समझा जा सकता है। मतलब एक तर्क को, बुद्धि को लगा के हम लोग कैसे ये भगवान सर्वत्र कार्यरत है इसको हम समझ सकते हैं, इस प्रकार से सुखदेव बोल रहे हैं। ऐसे कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, थोड़ा विचार करेगा तो समझ जाएगा कि अरे इस जगत में तो निश्चित रूप से भगवान जो है वो सर्वत्र उनकी सत्ता है और कार्यरत है। तो दृश्य चीजों को देखकर, मतलब इस जगत की चीजें जो है, तो इस जगत की चीजों को प्रभुपाद जी ने लंबा तात्पर्य लिखा है, एक जस्ट एक कॉमन लॉजिक के आधार पर कि कैसे हम किसी को भगवान की सत्ता के बारे में कन्विंस कर सकते हैं, कैसे इस जगत में हम चीजें देखते हैं। तो दृश्य चीजें, मतलब जो दिख रहा है, तो ये दृश्य इतनी सारी चीजें है कि जो हमने स्वयं ने उसका उसकी सृष्टि नहीं की है, उसकी रचना नहीं की है, है कि नहीं? हमारे हमारे सत्ता के लिए जो जरूरी है, जो चाहिए, जैसे वायु हो, जल हो, यहाँ तक कि हमारे इंद्रिय भोग के साधन भी, शब्द रूप स्पर्श रस गंध से युक्त जो इंद्रिय भोग के साधन है, वो किसने बनाए? वो हमने थोड़ी ना बनाए, हम आपने नहीं बनाए उसको। तो वो साधन यहाँ पे रखे गए हैं, वो दिए गए हैं। तो जैसे तर्क के आधार पर भी समझ सकता है कोई, आप अगर कोई एक
घर में आते हो या आपके रूम में आते हो और आप देखते हो कि आपके टेबल पे एक बढ़िया सा लैपटॉप रखा है या पेन रखा हुआ है, आपके बर्थडे के दिन एक नया वॉच रखा हुआ है, तो आप समझते हो ना कि ये किसने किया है, ये कोई प्रेमी व्यक्ति ने किया है, जिससे हमारे माता हो या पिता हो या पत्नी हो या पति हो या भाई हो बहन, इनमें से किसी ने इसको किया होगा, समझते हैं। अदृश्य से आपको अदृश्य समझता है, तो वैसे ही इस जगत में जो दृश्य संसाधन है, दृश्य इंद्रिय विषय है, दृश्य महाभूत है, इसके द्वारा भगवान के सत्ता को समझा जा सकता है। वो जो है वो निश्चित रूप से उसमें जो जिस प्रकार की सुसंबद्धता है, जिस प्रकार की सुसूत्रता है, तो वो कैसे है, बेसिकली डिजाइन आर्गुमेंट के जैसा, इसकी टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती एवं जीव गोस्वामी ने आर्गुमेंट जो है वो दी है। और बुद्धि आदि भी दृष्टा मतलब हमारी बुद्धि के द्वारा हम लोग देखते हैं कि उस सारी बुद्धि का भी साक्षी है हाँ व्यक्ति जो है वो, कोई कितना प्रयास करता है, प्रयास भी कर रहा हो बहुत इस जगत में, लेकिन उसी प्रयास के लिए हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति को कुछ लाभ हो रहा है, दूसरे व्यक्ति को उतना लाभ नहीं हो पाता है कि नहीं, दोनों प्रयास कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं। एकदम एग्जैक्ट सिमिलर सिचुएशन है, जैसे स्टूडेंट्स ले लीजिए ना, स्टूडेंट्स होते हैं, कोई एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करते हैं, तो वो सारे एक परिस्थिति में हो सकते हो, है एक प्रकार से अध्ययन आदि कर रहे हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि किसी को सफलता प्राप्त होती है, किसी को नहीं प्राप्त होती है, तो क्या ये सब चीजें जो है किसी के साक्षी होने से हो रही है, कि क्या ये चीजें ऐसी एक्सीडेंटली हो रही है, इसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन तो जो बुद्धि के साक्षी, हरेक के बुद्धि के, हरेक की चेतना के साक्षी है, वो परमात्मा के रूप में कहे गए हैं, वो साक्षी उस व्यक्ति को वैसे बुद्धि, वैसी प्रतिभा, वैसी क्षमता प्रदान करते हैं उसके उसके कर्मों के अनुसार, तो इसलिए उनको उपद्रष्टा या विटनेस साक्षी के रूप में भी, बुद्धि साक्षी के रूप में भी कहा गया। तो ऐसे वो भगवान जो है सर्वत्र विद्यमान है, ये इन प्रकार के लक्षणों के द्वारा ये समझा जा सकता है। एक्चुअली इसकी काफी गहरी टीका की है विश्वनाथ जी ने, नहीं श्रीजीव गोस्वामी ने काफी इसकी दार्शनिक टीका की है, तो उसमें मैं जाऊंगा नहीं, प्रभुपाद जी ने जो सरल तर्क आदि प्रदान किए हैं उसके बारे में ये हमने अभी जो चर्चा की, उस आधार पे आप इस श्लोक को देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। प्रभुपाद जी कहते हैं, निष्कर्ष यह है कि जीव चाहे मनुष्य हो या पशु, दृष्टा है और वह स्वयं के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं को देख सकता है, अतएव दृष्टा तथा दृश्य में अंतर होता है। मनुष्य स्वयं एक दृष्टा है, देखने वाला, और उसके बुद्धि का भी साक्षी परमात्मा जो है वो है, और वो देखता है कि ये दृश्य सारी चीजें जो है वो बनाई गई है, इन सारी चीजों को उसने नहीं बनाया है, सब ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया ये प्रदान की गई है, उसने कुछ बनाया नहीं है इसको, तो वो किसने प्रदान किया इतना सिस्टमेटिक, जो भी सारा हमारे भोग विलास के लिए जरूरी है वो सब कुछ जो है वो दिया गया, ऐसे ये बात है, तो वो किस कारण दिया है, किसने दिया है, किसी को एक प्रकार की इंद्रियां हैं, किसी को दूसरे प्रकार की इंद्रियां हैं, किसी को बहुत प्रतिभा है, किसी को कम प्रतिभा है, ये कैसे हो रहा है, तो तर्क से भी कोई व्यक्ति समझ जाएगा कि इन सब चीजों के प्रति कोई साक्षी है और उस साक्षी के द्वारा ये सब कुछ जो है या नियंत्रण हो रहा है। जो वस्तुएं थोड़ी बुद्धि लगाने पर दिखती है वे चलित नहीं हो सकती, जब तक कि हम किसी को बुद्धि का प्रयोग करता या निर्देश स्वीकार न करते। बुद्धि उसी प्रकार निर्देश करती है जिस प्रकार उच्च अधिकारी निर्देश देता है, और बुद्धि का प्रयोग किए बिना जीव न तो देख सकता है, न हिलडुल सकता है, न खा सकता है, न कोई कार्य कर सकता है। तो ये जो बुद्धि है प्रत्येक जीव में है और उसके निर्देशक कौन है, ये बात बताई जा रही है, ये बोल रहे हैं।
ठीक है, तो ये थोड़ा लॉजिक के आधार पे प्रभुपाद जी ये समझाते कि कैसे हम ईश्वर की सत्ता को दिखा सकते। ओके, तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। अचिंत्य बलराम प्रभु अनुवाद करो। हरे कृष्ण। हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण कर गुणगान करे तथा स्मरण करे। यस, तो इसलिए हे राजन, तस्मात, हे राजन, ये जो भक्ति का मार्ग है यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, और इसलिए सर्वत्र सर्वदा समस्त काल और समस्त परिस्थितियों में भगवान हरि ही श्रोतव्य है, वही कीर्तितव्य है, वही स्मर्तव्य है। ये जानिए राजन, सब नरों के लिए, मनुष्यों के लिए भगवान हरि ही श्रोतव्य, कीर्तितव्य एवं स्मर्तव्य, ये बात बताई गई। तो हरि ही सर्वत्र सर्वदा, सर्वत्र मतलब भक्तियों के अनुशीलन में कोई नियम नहीं है सर्वत्र, उसमें देश काल शुद्धि के नियम नहीं होते सर्वत्र, यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, है कि नहीं? इसमें भी कहा है चतुश्लोकी में, भक्ति ऐसा मार्ग है कि जो सर्वत्र सर्वदा पालन किया जा सकता है। बाकी मार्गों में शुद्धि का विधान होता है, जैसे आप यज्ञ करना चाहते हो तो स्थान शुद्ध होना चाहिए, द्रव्य शुद्धि, मंत्र शुद्धि, स्वर शुद्धि, सारे जो ब्राह्मण है वो शुद्ध होने चाहिए। तो उसमें देश काल पात्र की शुद्धि का बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। ज्ञान मार्ग में वैसे है, योग मार्ग में भी प्रारंभिक अवस्था में हम लोग देखते हैं कि शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य आदि, योगी को बहुत उचित स्थान जो है उसको ग्रहण करना पड़ता है, वैसे ही कहीं पर भी बैठ के वो योग की सिद्धि के लिए प्रयास नहीं कर सकता है। तो देश काल पात्र, पात्र के भी अलग अलग, इन सारे मार्गों में, अन्य मार्गों में पात्र के भी अलग अलग अर्हताएं बोली गई है। लेकिन अगर कोई कर्मकांड करना चाहता है तो उसके पास संसाधन होने चाहिए, अगर संसाधन हीन है तो क्या कर्मकांड करेगा, यज्ञ करने के लिए बड़े बड़े। ज्ञान योगी के पास बुद्धि होनी चाहिए, निर्बुद्ध है, मूर्ख है तो वो क्या ज्ञान योग करेगा। जो अष्टांग योगी है उसके पास मन तथा इंद्रियों में संयम होना चाहिए, नहीं तो फिर वो क्या योग करेगा। लेकिन भक्ति के मार्ग पे ऐसे कोई अपेक्षाएं नहीं होती है, बस उसने श्रवण विधि, कीर्तन विधि को श्रद्धा के साथ स्वीकार करके आगे बढ़ना। तो वो श्रद्धा जो है, वो श्रद्धा नहीं भी है तो विकसित होते जाती है प्रारंभ में, जब व्यक्ति महत सताम कृपा, महत सेवा आदि से फिर देखते कि श्रद्धा विकसित होती है, तो उसको श्रद्धा प्राप्त होने के पहले उस पर कृपा हो जाती है। तो इसलिए इस मार्ग में एंट्री नहीं है, एंट्री क्राइटेरिया नहीं है इस मार्ग में, जो प्रवेश के लिए अर्हताएं बोली नहीं है। तो इसलिए सर्वत्र सर्वदा, देश काल पात्र के नियमों से परे भगवान जो है यही श्रोतव्य है, यही कीर्तव्य, यही बात बोली गई है। तो यहाँ पे ये तीन मार्ग, ये तीन अंग भक्ति के बोले गए हैं। इससे विश्वनाथ चक्रवर्ती ये भी मुद्दा बोलते हैं कि देखिए ये तीन सबसे प्रमुख अंग है, इसको जानना चाहिए। हमेशा श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य की बात होती है, क्योंकि भक्ति के नौ अंगों में ये सबसे महत्वपूर्ण अंग। उस श्लोक की टीका में भी आपको याद होगा, विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेत यदि रतिम, तो उसमें कथा, कथा रुचि की बात होगी। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि देखो भाई, कथा रुचि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि साएव आद्या, वो सबसे प्रमुख है आद्या, और वो आद्या होने की वजह से सर्वत्र विद्यमान होती है। अगर किसी को कथा सुनने में ही रुचि नहीं है तो बाकी भक्ति के अंगों का वहां पर जो अनुशीलन है उसमें कुछ
त्रुटि हो सकती है, दोष हो सकता है, तो इसलिए उसको आद्या कहा है। कथा रुचि इज कॉमन, वो समस्त भले ही भक्ति के कोई अंग में किसी को बहुत रुचि हो, वो उस अंग में निष्णात हो, लेकिन उसको रुचि चाहिए कथा में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो सब जगह पे वो समस्त अंगों में वो दिखाई पड़ेगी, क्योंकि तो ये बात है। इसलिए यहाँ पर भी ये तीन अंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है, श्रोतव्य, श्रवण, कीर्तन एवं स्मरण, इस पर बहुत जोर दिया गया। उसमें भी श्रवण जो है उस पर तो बहुत ही जोर दिया। अगर श्रवण ठीक नहीं है, उसमें रुचि नहीं है, अब बस इधर उधर दौड़ रहा है, कार्य कर रहा है, तो सेवा तो अच्छी है, लेकिन क्या वो सेवा भगवान की सेवा करके कर रहा है कि भाई रजोगुण है करके दौड़ रहा है इधर उधर, ये बात भी देखनी चाहिए। वो कहाँ दिखेगी, उसको जप में कितनी रुचि है, उसको श्रवण में कितनी रुचि है, कीर्तन में कितनी रुचि है, ये इसमें दिख जाएगा वो, कि वो भाई गुण दौड़ा रहे उसको कि सही में भक्ति में आगे बढ़ रहा है। ये बात देखिए, प्रोपा जी कहते हैं ये 9 प्रामाणिक विधियां हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरण, ठीक है, किंतु इन 9 विधियों में से पहली विधि अर्थात श्रवण विधि भक्ति योग में सबसे अधिक महत्व। पर्याप्त तथा समुचित विधि से श्रवण किए बिना अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं हो पाती। बापरे, देखो प्रोपा जी तो कैसे लिख, समुचित विधि से श्रवण किए बिना अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं हो पाती। हाँ ठीक है, मानते हैं हम लोग भक्ति एकांगा अनेकांगा बोली है, कोई भी भक्ति का एक अंग सिद्धि प्रदान कर सकता है, लेकिन वो अंग तब सिद्धि प्रदान कर सकता है जब आपका श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये जो है प्राथमिक अंगों में आपका कुछ लेवल है, आप उसमें रुचि है आपकी, हाँ वो आद्य है ये अंग जो है, उसमें भी श्रवण तो बहुत ही आद्य। नहीं तो फिर अगर श्री कृष्ण के श्रवण में, उनके नाम लीला कीर्तन आदि में श्रवण में ही रुचि नहीं है, तो फिर भाई वो कौन सा मार्ग, क्या मार्ग पालन कर रहा है, किस मार्ग का अनुशीलन हो रहा है, ये बात होगी। तो इससे प्रभुपाद जी कहते हैं, और केवल श्रवण है तो समूचा वैदिक साहित्य भरा पड़ा है, जिसे श्रील व्यासदेव जैसे भगवान के शक्तावेश अवतार ने संकलित किया। तो श्रवण की महिमा बता रहे, बहुत महत्वपूर्ण है सारे अंगों में। ऐसे श्रवण की पुष्टि कीर्तन द्वारा होती है, जो व्यक्ति उचित स्रोत से सुनता है वह सर्वव्यापी भगवान के विषय में आश्वस्त हो जाता है, और तब वह श्री भगवान का गुणगान करने हेतु प्रोत्साहित होता है। तो श्रवण करेगा बहुत अच्छे से लंबे काल के लिए, बहु श्रवण, तो फिर वो व्यक्ति कीर्तन के प्रति भी उत्साह, कीर्तन मतलब सब कुछ, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, रूप कीर्तन, सब कुछ बोल रहे हैं, भागवत की चर्चा करना वो भी कीर्तन, तो उसमें उत्साह आ जाता है। और ऐसे लंबे समय कीर्तन करने के बाद अंतकरण शुद्धि होके फिर व्यक्ति स्मरण के लिए पात्र हो जाता है, तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। पिबन्ति ये भगवता आत्मना सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय वेदुषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम। ठीक है, अंतिम श्लोक श्रुत कीर्ति माता जी अनुवाद पढ़िए। एक मिनट प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। जो लोग भक्ति के अत्यंत प्रिय भगवान श्री कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्र से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन देश को पवित्र कर लेते हैं, और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, तो पिबन्ति ये भगवत आत्मन सताम। देखो, जो पीते हैं किसको पीते हैं, भगवान, जो कि आत्मन, आत्मा मतलब भगवान के लिए कहा गया है यहाँ पर, तो भगवान के कथामृत को अपने कानों के छेदों के भीतर श्रवण पुटेशु भर भर के पीते हैं। जैसे आप कहीं पे जाते हो और वहां पे अगर आपके पास पात्र नहीं है, लेकिन ऐसा मानिए आमरस मिल रहा है, तो भर भर के पियेंगे ना इससे, हाथ में लेके पियेंगे भर भर के, एक हाथ में से ऐसे नहीं कि सिर्फ उंगली डाल के थोड़ा सा चखेंगे, नहीं, ऐसा पूरा भर भर के पिए।
तो वैसे कहे श्रवण पुटेशु, श्रवण जो कर्ण है ना हमारे, उस कर्ण को ही अंजलि बना दिया श्रवण पुटेशु। तो ऐसे कर्ण में भर भर के जो इस भगवान के कथामृत को सुनता है, हाँ क्योंकि ये देखिए प्राथमिक विधि है भक्ति का, इसलिए श्रवण की बात हो रही है, पहली चीज है वो, पहली चीज। वो अगर ठीक से नहीं हो रही है तो देखिए बाकी सब चीजों में प्रॉब्लम आएगा, ज्यादा देर उत्साह नहीं रहता है, फिर अर्चनम हो या वंदनम हो या फिर अन्य अन्य पाद सेवनम हो, क्योंकि वो सुन नहीं रहा अच्छे से, रुचि नहीं है, तो फिर वो निकल जाता है थोड़ा थोड़ा करके उत्साह। तो इसलिए बड़े अच्छे से सुचारू रूप से भगवान का कथा का श्रवण करना चाहिए, एकदम नियमित रूप से समय सूची बना के करिए उसको, कि हर हफ्ते में मैं इतना श्रवण तो करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो, जो भी मेरी व्यस्तता है वगैरह, लेकिन इतना समय निकालना ही। तो ठीक है, हमारे कोर्सेस वगैरह की वजह से कुछ हद तक हमारा श्रवण हो जाता है, लेकिन तो भी इसके परे भी स्वयं से ही आतुरता से जो श्रवण है उसको अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, करना चाहिए उसको। श्रवण मतलब पठन भी, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ना, वो भी श्रवण ही उसमें भी आएगा, मतलब उसी में आ जाएगा वो भी। लेकिन वही है कि कथामृतम श्रवण पुटेश संभृतम, भर भर के संभृतम हुनंतिते विषय विदूषिताश। तो ऐसे वो लोग जो है, ऐसे भक्त जो है, वो विषयों से विदूषित प्रदूषित जो हमारा हृदय है, आशय है, हमारी इच्छाएं है, वो सारा विषय से प्रदूषित आशय वो पुनित हो जाते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं, और फिर व्रजंति तच्चरण सरोरुहा, और वो ऐसे भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों के नजदीक चले जाते हैं, मतलब उनके धाम को प्राप्त कर लेते हैं, ये बात है। तो इसमें दो दो लाभ बोले हैं भगवान के कथा से। एक्चुअली इसमें बहुत सारी टीका है विश्वनाथ चतुर्थी, मैं गया नहीं इसमें, थोड़ी रसिक टीका है, रस के विषयों को बोल रहे, नो प्रॉब्लम, आप पढ़ सकते हो उसको, पढ़िए आप तक। मुझे आज ये इस विषय को समाप्त करना था, और उसमें कुछ रति आदि के कंसेप्ट है, तो इसलिए मैं उसमें गया नहीं जा। तो ठीक है, दो प्रकार के अनुसंहितम फलम और अननुसंहितम फलम। तो अननुसंहितम फलम क्या है, जो विषय विदूषित, विषय से प्रदूषित जो हमारा हृदय है वो शुद्ध हो जाता है। अननुसंहितम मतलब जिसके पीछे नहीं भाग रहे आप, जो आप जो आप चाहते नहीं हो, चाहते नहीं हो मतलब उसको आप मांग नहीं रहे हो, वो स्वतः हो जा रहा है अननुसंहित। ऐसे आप उसको एक्टिवली सक्रिय रूप से आप उसको पीछे नहीं पड़े हो, वो तो अपने से हो जाता है, द्वितीयक रूप में हो जाता है, सेकेंडरीली हो जाता है। लेकिन जो मूल प्रमुख फल है वो नीचे की लाइन में बोला है अनुसंहितम फलम, वो है व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्ति। तो भगवान की सेवा को साक्षात रूप से प्राप्त कर लेता है वो भक्त जो है, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, वो अनुसंहित फल है, और ये अंतकरण पूरा शुद्ध हो जाता है, अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, वो अननुसंहित फल है। हाँ मतलब आप वांछित फल अवांछित फल ऐसे लिख सकते हो सिंपल, वांछित फल जो है भगवान के चरण कमल को प्राप्ति, अवांछित फल मतलब जिसकी बहुत कुछ इच्छा नहीं करता है वो, लेकिन वो हो जाता है ऑटोमेटिकली, वो है कि विषय से विदूषित आशय मतलब हृदय शुद्ध हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने मानव समाज के लिए उच्चतम चिंतन का सुझाव दिया, यह है श्रीमद् भागवत का ठीक से श्रवण कर। इस कलयुग के मनुष्यों ने जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी, और भागवत उस प्रकाश पुंज के समान जिससे असली मार्ग देखा जा सकता है। ऐसे तो जीव गोस्वामी ने भी इस पर टीका की, कहते कि अमृतमय संदेश है, और वो सबको जीवन का अंतिम ध्येय प्राप्त करा के दे सकता है। ठीक है, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के अंतर्गत हृदय में श्री भगवान नामक द्वितीय अध्याय के
भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। तो यहाँ पे क्लास हमारी खत्म हो चुकी है। आप में से जिनको भी सेवा है आगे बढ़िए। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। और प्रेमानंदे हरि हरि हो। कल के सत्र में मैं तीसरा अध्याय प्रारंभ करूंगा और हो सकता है आधा हो भी जाए वो, क्योंकि छोटे अध्याय अभी ये दोनों। तो कल के सत्र में ही हम 12-14 वर्सेस शायद पूरे भी करें। ठीक है, जिनको प्रश्न है वो रुक सकते हैं, बाकी आगे बढ़े। कृष्ण नाम प्रभु, क्या प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, मेरे बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि हमें सुनने से ज्यादा कहने में ज्यादा रुचि है, तो इस स्थिति को कैसे सुधार जा सकता है? हाँ देखिए, सुनने से ज्यादा कहने में रुचि है तो आप उसको प्रचार में लगाइए, बढ़िया है। लेकिन देखिए, आप निवृत्त तर्षे रूपगीय माना श्लोक की टीका पढ़िए। भागवत में श्लोक आता है 10.1.4 10.1.4, इसको पढ़िए आप। श्रीलजीव गोस्वामी की टीका बड़ी सुंदर टीका है। तो उसमें श्रीलजीव गोस्वामी बोलते हैं कि देखो, कथा कहने का बहुत उत्साह जो होता है, प्रचंड उत्साह है बोलने का, वो मुक्त का लक्षण है। वो मुक्तात्मा का लक्षण है। और जो साधक होता है उसका कथा सुनने का बहुत प्रचंड उत्साह हो। तो बोलते कि साधक भक्तों में श्रवणस्य प्राधान्यम, श्रवण का प्राधान्य साधक भक्तों में होता है, और मुक्त भक्तों में गानस्य प्राधान्य, गान का प्राधान्य होता है। क्या होता है कि उनका हृदय इतना भरा हुआ होता है कृष्ण कथा से आदि, कि वो स्वभावतः बाहर उमड़ती है। जैसे आप कोई ग्लास में जूस भरते जाइए, इतना जूस हो गया कि वो नीचे जो है गिरने लग जाए। तो वैसे उनके हृदय में इतनी कृष्ण कथा का ऐसा आविष्कार रहता है कि वो स्वभावतः बाहर निकलता है। इसलिए वो हमेशा बोलते रहते हैं, गाते रहते हैं, कृष्ण कथा को बोलते रहते हैं सबको, कीर्तन नाम रूप गुण कीर्तन ऐसे होता है। लेकिन साधक की केस में श्रवण का प्राधान्य जो है वो कहा है। तो हो सकता है हमारी केस में भाई बोलने की भी हमको बहुत इच्छा है, तो वो बोलने की इच्छा अच्छी बात है, अगर है तो उसको कृष्ण कथा में लगाइए। लेकिन कृष्ण कथा आपको बहुत अच्छी बोलने के लिए अच्छी सुननी भी पड़ेगी बहुत, नहीं तो फिर आप देखोगे वही चीज या उसको ज्यादा बोल नहीं पाओगे विस्तार से। क्यों? जैसे आप कोई कुआं होता है, तो कुएं से पानी निकाल रहे हो, निकाल रहे हो, निकाल रहे हो, और कुएं में आ ही नहीं रहा अंदर कुछ, तो क्या हो जाएगा? कुछ समय बाद कुआं खाली हो जाएगा। तो वैसा हो जाता है हमारा, इधर जाएंगे वही बोलेंगे, उधर जाएंगे वही बोलेंगे, और जगह वही बोलेंगे, दूसरा कुछ सोचता ही नहीं है। क्योंकि क्या है, ज्यादा सुन नहीं रहे, ज्यादा अंदर ले नहीं रहे। तो कुछ समय बाद हमें ही थोड़ा सा रुक्ष लगने लगता है कि अरे मैं कुछ अंदर में ले नहीं रहा हूं और मैं बोल ही रहा हूं बस ऐसे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग श्रवण जो है उसको प्रधानता दे, और फिर जो श्रवण किया है उसको आप बोलिए, नो प्रॉब्लम। तो ये तो प्रैक्टिकल चीजें है कि कितना मैं श्रवण करूं और कितना अध्ययन करूं, कितना श्रवण करूं और कितना कीर्तन करूं। प्रचार करना है निश्चित रूप से हम सबको, हमारा आंदोलन प्रचार का है तो जरूरी है कि प्रचार में लगे रहना चाहिए। लेकिन बहुत कुछ ले लेना चाहिए अंदर, और फिर उसमें से थोड़ा बाहर आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर कोई व्यक्ति बहुत बोल ही रहा है, अंदर कुछ ले नहीं रहा है, तो वो खुद भी अनुभव करेगा कि उसको लगेगा कि मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूँ लोगों को, वही चीज सर्वत्र बार बार वही बोलता रहता हूँ, कुछ याद नहीं आता दूसरा, कुछ हृदय में ज्यादा भक्ति के विचार जो है उसकी गहराई नहीं होती कुछ भी, तो वैसा होता है। तो इसलिए ऐसे याद रखना चाहिए इस चीज को कि जैसे मैं मेरी कुएं से, हृदय कुएं से निकाल रहा हूं, वैसे मुझे भरना भी पड़ेगा, नहीं तो वो खाली हो जाएगा, ऐसी बात है। तो वही है प्रभु, साधक के इसमें श्रवण का प्राधान्य बहुत जरूरी है, बाकी कथा प्रचार तो जरूरी है, तो इसलिए उसको भी करते रहना चाहिए। तो सिस्टम बनाइए, कुछ शेड्यूल बनाइए कि ये ग्रंथ मुझे पूरे करने हैं,
तो फिर उसके लिए मैंने इतना श्रवण करना चाहिए वगैरह। और जो ग्रंथ हम श्रवण करते हैं सुनते हैं उससे छोटा विषय उसको देना चाहिए। ऐसे नहीं कि भागवत पढ़ रहे और भागवत के से ऊपर उच्च विषय को देना चाह रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग उच्च विषय को सीख रहे हैं तो उससे जो नीचे का विषय है उस विषय को दे सकते, ये बात है। नहीं तो फिर वो हमारे अधिकार के परे हो जाता है, हमारे ज्ञान के भी परे हो जाता है, ऐसे है। तो इस प्रकार से प्रभु, ठीक है। ओके, माधुरी किशोरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे मैंने कई बार सुना है कि जैसे आपका जो सेवा में, अगर हम जैसे सेवा करते हैं, जैसे अभी आपने बोला कि वो रजोगुण में है, ऐसा हमें देखना चाहिए, तो प्रभु जी 90% केसेस में माता जी जो है वो सेवा ही ज्यादा दे पाते हैं एज कम्पेयर टू श्रवण वगैरह का। तो प्रभु जी, मतलब मुझे ये जानना है कि क्या वो सेवा का वो वैल्यू नहीं होता क्या, जैसे सब बोलते हैं श्रवण कीर्तन और इसमें भी इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन 90% केसेस में जैसे डिस्कस होता है माता जी के बीच में, तो बोलते हैं माता जी बहुत मुश्किल होता है करना हियरिंग वगैरह। इवन कितने माता जी तो ये भी कह देते हैं, एक बार जैसे तैसे मेरा भक्ति शास्त्री हो जाए, माता जी भक्ति वैभव तो हम दूर दूर तक है देखेंगे ही नहीं। तो प्रभु जी, फिर माता जी इसके केस में तो ये कैसे समझ सकते हैं ना हम, क्योंकि सेवा तो वो कर ही रहे हैं प्रभु जी, और वो श्रवण वगैरह इतना नहीं ले पाते हैं टेस्ट उसमें। नहीं नहीं, तो यस यस, ठीक है, अच्छा प्रश्न। नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सेवा मतलब कोई अच्छी सेवा कर रहा है तो वो रजोगुण है, ऐसे नहीं बोला मैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, सेवा में किसी व्यक्ति का कितनी रुचि है, किस प्रकार के भाव से सेवा कर रहा है, क्या उसमें कृष्ण भावना भावित जो है, कृष्ण भावना तो उसमें वृद्धि हो रही है, क्या ऐसे कुछ है कि वो सेवा से उसका और भी अहंकार ही बढ़ रहा है, या फिर झगड़े बढ़ रहे हैं, या फिर वैष्णव गुण आदि जो वृद्धि हो रही है क्या उसकी। हाँ, तो देखो, माता जी जो होता है प्रायः उनका इस प्रकार का भाव रहता है कि वो दार्शनिक वगैरह तत्वों के प्रति ज्यादा रुचि नहीं होती। मैं सब माताजियों की बात नहीं कर रहा, हो सकता है कोई माताजी बहुत परम बुद्धिमती है और बहुत दार्शनिक तत्व, लेकिन इन जनरल शास्त्र में बताया है कि माताजी लोगों का हृदय जो है वो सीधे भगवान की सेवा के प्रति, सीधे सीधे भगवान को अलग अलग प्रकार के व्यंजन खिलाना, सेवा करना, इसके प्रति आकर्षित होता है, और वो उनको भगवान का एक उपहार है, उन पर कृपा है कि उनका हृदय वैसा सरल है, ज्यादा दार्शनिक वाला ये नहीं, ये बात है। तो वो सरलता अगर सीधे भक्ति में लग रही है अच्छे से, उस सेवा से हृदय में भक्ति बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, आप उनके गुणों को, किसी व्यक्ति को सेवा आदि में है तो उसके गुण कैसे विकसित हो रहे हैं इसको तो देख सकते हो, एकदम ऑब्जेक्टिवली निरपेक्ष रूप से देख सकते हो। हाँ, तो वो काउंसलर वगैरह व्यक्ति है तो उसने देखना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति सेवा कर रहा है तो कैसे इसकी प्रगति वगैरह भक्ति में हो रही है कि नहीं। ऐसे नहीं कि भाई सिर्फ सेवा कर रहे हो फिर कथा में बिल्कुल भी उत्साह नहीं, हो सकता है उसको समय ना हो तो अलग चीज है, लेकिन क्या समय मिलने पर उनको भगवान की कथा में उत्साह है। उनको अगर बोल दिया जाए कि देखिए आपको भगवान की कथा के सुनने के लिए ये समय है, आप शांति से बैठ के कथा सुनिए, क्या वो उत्साह है? अगर वो नहीं है तो प्रॉब्लम, उसको विकसन करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा उस उत्साह को, क्योंकि ये फंडामेंटल है। ये पुरुष स्त्री का भाव इसमें कुछ आता नहीं, ये श्रवण कीर्तन स्मरण की जो रुचि है वो फंडामेंटल है, वो हर एक को होनी चाहिए ऐसे। उसमें किसी का नेचर है ज्यादा सेवा करने का, ठीक है, लेकिन क्या उसको कथा में बैठे तो ऐसे लगता है अरे ये क्या टॉर्चर है, ये क्या है भाई, भगवद गीता हो गया तो बस इसके बाद मैं शास्त्र खोलूंगा, बिल्कुल भी उसमें ध्यान नहीं दूंगा, इस टाइप का अगर भाव है तो वो क्या हो गया, वो क्या नफरत हो गई शास्त्र से। तो मैं दार्शनिक शास्त्र की भी बात नहीं कर रहा, हो सकता है कथा सुनने में आनंद हो, दर्शन शास्त्र हो, उसमें भी द्वितीय स्कंद क्रम मुक्ति सद्य मुक्ति यार क्या है ऐसा कुछ, लेकिन क्या कथा में रुचि है? कथा में भी रुचि नहीं,
क्लास सुनने को ही नहीं अच्छा लगता, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है फिर हृदय का, उसमें सुधारना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मुझे कृष्ण की कथा में आनंद नहीं आता, ऐसा उसको सोच के व्यक्ति ने उसका अन्वेषण करना चाहिए। क्या ऐसा है कुछ कि मैं कथा वगैरह सुनते हूँ तो भगवान का वो गुणगान सुनने से मुझे उसमें कुछ ज्यादा टेस्ट नहीं, रुचि नहीं है, या फिर क्या मुझे ऐसे कुछ दूसरे विचार ही आते हैं कथा में कि क्या ये व्यक्ति बहुत सुना रहा है, बहुत बुद्धिमान होने के जैसा ये वो वैसे। तो मुद्दा क्या है मेरा मुद्दा यही है कि कोई भी हो, श्रवण कीर्तन स्मरण फंडामेंटल लिम्स है और इसमें टेस्ट होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा टेस्ट देखते नहीं हो किसी की, तो एटलीस्ट उसकी सेवा के द्वारा प्रगति देखो कैसी हो, क्या वो वैष्णव गुणों को दर्शा रहा है या दर्शा रही है, क्या वो सेवा में कैसी चेतना रहती है, क्या वो सेवा की चेतना ऐसे ऐसी है बस कंपटीशन की है या लोगों को दिखाने की है, देखो मैं ऐसा मैं वैसा, वो तो उचित चेतना भी नहीं है ज्यादा। ठीक है, कैसे भी एंड में सेवा तो करनी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आगे में तो बढ़ना है ना, भक्ति में प्रगति भी तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस, ये विचार होना चाहिए व्यक्ति का कि क्या मेरा परिवर्तन हो रहा है हृदय में, कि मैं बस ऐसे ही चल रहा है सालों साल, वही असूया, वही द्वेष, वही कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, वही अपराध का भाव, तो क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है सेवा, उससे कुछ हो रहा है कि नहीं, तो कुछ तो कमी है कहीं पे। तो हो सकता है श्रवण की कमी हो, बहुत श्रवण कीर्तनम की बहुत टेस्ट नहीं है उसमें, तो फिर वो इसलिए एक्ट नहीं करती चीजें। तो थोड़ा काउंसलिंग का विषय है, यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। ये बताना चाहूंगा कि देखिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई आपको नफरत है कृष्ण का, तत्व हो या लीला हो, उससे नफरत नहीं होनी चाहिए किसी को कि बस इसके बाद छुट्टी, बहुत हो गया, टॉर्चर कर दिया मुझे, तो फिर वो थोड़ा उचित नहीं है। वो तो हमारा तो वो तो आध्यात्मिक जगत में जाके वहां पे भी कथा है, वहां पे तो सेवा करते करते भी सुनना पड़ता है, इधर तो आपको सेवा करते हुए कोई पकड़ेगा नहीं, उधर तो गाते गाते ही सेवा चलती है, कथा करते करते सेवा चलती है, तो फिर उधर बोलना पड़ेगा बंद कर भाई तू मुंह अपना, सेवा करने दे, ऐसे तो ऐसी बात। ये तीन लिम्स कंटिन्यू आएंगे, सर्वत्र आएंगे, कृष्ण स्मरण, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण श्रवण, वो होना ही चाहिए। ठीक है माता जी? ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। ठीक है, आपको कुछ प्रश्न है एक्स्ट्रा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, या कुछ मतलब काउंसलिंग रिलेटेड कुछ है तो, नहीं तो फिर आपको उत्तर मिल गया तो अच्छी बात। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सुरेश प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ये सद्य मुक्ति और शीघ्र मुक्ति और ये क्रम मुक्ति के हाईली टेक्निकल डिस्कशन के बाद अल्टीमेटली सुखदेव गोस्वामी बोलते आ रहे ये सब छोड़ो, सिर्फ भक्ति करो, तो प्रभुपाद भी यही तो बता रहे, प्रभुपाद अपने भक्तों के लिए जो बता रहे, तो ये सब टेक्निकल डिटेल में जाके लोगों को दिमाग इतना टेंशन में देने से बजाय अरे सीधा अपना कीर्तन श्रवण कीर्तन करो, ये वही बता रहे। तो इसमें और ये प्रभुपाद इवन भगवद गीता में भी जो कर्मयोग उसको और सबसे भगवान की भक्ति से जोड़ रहे हो, भक्ति योग से जोड़ रहे हो। ठीक है, आगे टेक्निकल लोगों को लगता है कि ये अरे क्या सब भक्ति भक्ति बता रहे, ये कर्मयोग को भी ऐसे बता रहे, ज्ञान योग की बता रहे, तो ये प्रभुपाद अपने भक्तों के ऊपर के प्यार से बता रहे कि भाई नहीं नहीं सब छोड़ो, इतना टेक्निकल मत जाओ, सीधा अपना गुणगान करो भगवान का और उससे। हाँ, तो वो तो ठीक है, वो ठीक है ब्रो, अधिकारी की बात है ब्रो। हाँ, अधिकारी, तो अगर कोई भक्ति वैभव का स्टूडेंट है ना, तो उसके उसका अधिकार अलग होता है, और कोई साधारण छात्र है जिसको ये सरदर्द लगता है उसने क्यों सुनना है, उसको मत सुनने दो, उसको करने दो ना जब शांति से। लेकिन भाई भक्ति वैभव के छात्र का अधिकार है कि उसको शास्त्र समझना चाहिए, उसको क्रम मुक्ति सद्यो मुक्ति भी जितने हद तक समझाई उसको समझनी चाहिए, और उसके बाद में भक्ति का उत्कर्ष समझना चाहिए। तो ये बात है। तो ठीक है, जिस जैसे भगवत गीता प्रभुपद वैसे उनका भाव है गीता में भी, वही सही बात है, लेकिन आप गीता पढ़ाई करना चाहते हो तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। यस यस प्रभु। वैसे ही भागवत सुनना चाहते हो तो फिर आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, इसके बाद ये क्यों बोला है,
लेकिन आप अगले वाले आपके आगे व्यक्ति का अधिकार देखो, उसको अगर ये सब चीजें जमने वाली नहीं है या फिर उसके बुद्धि के परे है, बिल्कुल मत बोलिए उसको हरे कृष्ण महामंत्र, जय श्री राधे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन देखो शास्त्र अध्ययन में ऐसा होता है ना, शास्त्र अध्ययन में आपको ढंग से पता भी होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रचार में ऐसे लोग मिलेंगे कि जो पूछेंगे अरे ये क्या है, इधर क्यों क्रम रमा हो, इधर क्यों ये, तो वो आपको बताने को भी आना चाहिए। देखो ये चीज उनको बराबर पता है प्रभुपाद जी को कहाँ क्या है, लेकिन वो क्यों ऐसा बोल रहे क्यों वैसा बोल रहे ऐसे। तो यहाँ पे भी क्रम मुक्ति सद्य मुक्ति में प्रभुपाद जी ने जहां तहां बराबर अंडरस्टैंडिंग दिया है कि ये निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है ये वो, लेकिन उनका अपना मूड जो है कि भाई भक्ति ही करो, वो बहुत दिखाई पड़ेगा सर्वत्र। यस यस प्रभु, आप जो इसके क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति के जो टेक्निकल डिस्कशन दिया वो बहुत ही सुंदर तरीके से दिया है आपने, और उसके लिए बहुत धन्यवाद। इसी से हमारा थोड़ा शास्त्रीय ध्यान बरकरार जारी रहेगा और डीपर जाते जाएंगे। थैंक यू सो मच प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, ठीक है, ये मैं अगले यूनिट में पूछता हूँ आपको क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति क्या याद में ये टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है। शुभेंद्र कुमार प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते हैं, आपने पिछली बार भी कुछ। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। यस दंडवत प्रणाम प्रभु जी, वो जो आप बता रहे थे ये जब जीव यहाँ से जाता है, इसको पहले यहाँ पे उसको पांच ये पंच तत्व का शरीर मिला रहता है, लेकिन वहां जब आवरण में जाता है तो अभी आप बताए थे कि वो मूल अहंकार रहता है, जैसे वहां पे भी अहंकार है बाकी तत्व है, तो क्या ये जो वहां पे पृथ्वी या जल है ये भी वहां पे मूल है और यहाँ पे जो है उसका अंश है या क्या है पूजी? हाँ प्रभु जी, वो भी जो है ना वो सूक्ष्म स्तर पे बोले गए है, विश्वान चक्रवर्ती ने वो टीका की है, तो यहाँ पे जैसे स्थूल रूप में ये दिखाई पड़ते हैं वैसे वो थोड़े सूक्ष्म स्तर पे होते हैं, वो तो ऑलरेडी वो परे चला गया है, वो सब मूल मूल क्या बोलेंगे मूल पंचमहाभूत है निश्चित रूप से, लेकिन जैसे यहाँ पे भी उसका भूमि आप अनल वायु का शरीर था वैसे वहां पे नहीं रहता, वो भले ही वो सारे एलिमेंट्स है लेकिन चूंकि वो मूल एलिमेंट से मूल जो पंचमहाभूत है उसका शरीर रहता है इसलिए उसको सूक्ष्म कहते हैं, वो सूक्ष्म है एकदम स्थूल नहीं है, भले ही पंचमहाभूत है उसमें लेकिन तो भी उसमें एक सटल सूक्ष्म एस्पेक्ट, तो वो सूक्ष्मतर अवस्था वाला शरीर होता है, ऐसे ही ऐसी टीका में एक कॉमेंट की है विश्वनाथ सर। मतलब जो मूल है वो सूक्ष्म रहता है ऐसा? हाँ बिल्कुल, वो सूक्ष्म है, मैटर है पंचमहाभूत है लेकिन तो भी उसमें एक सूक्ष्म स्तर स्तर पर है, और उस पे ज्यादा कुछ डिटेल उन्होंने बोला नहीं है, तो अगर मैं कहीं पे सुनता हूँ तो आपको बताऊंगा, लेकिन उतना ही वहां पे उन्होंने। थैंक यू, थैंक यू ऑल वेरी मच। चलिए कल मिलते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नित्याय गौर प्रेमानंद। अरे हे गुरु।